मुझे ऐसा लगता है कि टकले लोगे बहुत पैसे बच रहे हैं कंडीशनर और शैम्पू के क्योंकि बहुत महंगे हैं भाई आर्गन ऑयल वाला शैम्पू और कंडीशनर इज़ वेरी एक्सपेंसिव तो वो पैसे अगर एस आई पी पे डाल दें तो टकले बहुत टोपियाँ ख़रीद सकता मैं बहुत पहले बिल बर का जो रोगन पे सुना था कुछ किड दिस uh, हेयर और फिर मैं सोच रहा था कि ट्रांसप्लांट करा दू शूड जस्ट इट ऑफ वे अर्लियर और फिर मैं सोचता था, था जैसे मेरे झड़ना शुरू कर रहा तुरंत शेव कर दूंगा मैं और लेकिन अभी मुझे लगता है कि थोड़ा टाइम रुक जाते हैं थोड़ा टाइम थोड़ा टाइम रुकते हैं और देखते हैं जब सोच जितना हाँ क्यों क्योंकि पहले मैं जब देखा था कि ओ ये तो मिक्स कंप्लीट सेंस की जैसे तुम्हारा हेयर फॉल होना स्टार्ट होगा शेव कर देना लेकिन अभी मुझे लग रहा है नहीं थोड़ा एक एक दो साल एक दो साल और रख लेते हैं दोस्तों की शादी तेरा इतना ड्रामेटिक लग नहीं रहा है जितना तुझे लग रहा है ग्रेजुअल तो वो है ही है एक एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज हो रही है सीन

और ऐसे बहुत हैं क्योंकि सेम टॉपिक्स पे जब लिखे जा रहे हैं और वो उस पर थेरेपी पे सिमिलर है कई सारे बट टेक अलग अलग ही हैं सेम सेम है आ, प्रेमिस से हैं। सेम है रफली सबके क्योंकि यही छह चीजें हो रही हैं सबके साथ हाँ भाई सब लोग सब लोगों ने एक सिमिलर टाइप की जॉब करी ठीक <laughs> है फिर सब लोगों ने नौकरियाँ छोड़ दी <laughs> और सब अब सब लोग गिल्टी फील करते हैं कि हम लिख नहीं रहे वो नहीं कर रहे इनफ नहीं कर रहे और थोड़ा थोड़ा सब लोग ट्रैवल करते हैं ट्रैवल भी सिमिलर एयरलाइन से करते हैं सिमिलर टाइप के होटल्स में रुकते हैं करेक्ट है yeah, मतलब अगर कोई इसमें बैड बॉयज भी हैं तो वो भी सेम टाइप के लोगों के साथ ही सेक्स करते हैं विच इज क्रेजी स्टैंड अप फैंस तो व्हाट इज द वैरायटी मतलब दैट इज कमिंग इन योर लाइफ ऑफ कोर्स द बिट्स विल बी सिमिलर या एक मेरा प्रमे से की लाश को छुपाने में स्ट्रगल कैसे होते दैट दैट आई डोंट वेरी फ्यू पीपल हैव डन या यही है बस फिर तुमको झूठ बोलना पड़ेगा Hmm. अगर तुम झूठ बोलने अपनी ऑनेस्टी hmm. को किनारे करने के लिए तैयार हो देन यू कैन बिकम यूनिक वरना तो क्या ही तुम यूनिक हो मैंने सबको देख लिया सब सेम hmm. सब inherently underlying है सब इनहेरेंटली अंडरलाइंग जो ह्यूमन है सबका वो सेम है <laughs> कल मैं गया करने बहुत दिनों बाद स्टैंड अप करने गया और मतलब मुझे पता था कि बॉम्ब होने वाला है पर वो स्टेज पे गया तो तुरंत ही दिखने लगता है ना ऑडियंस की आंखों में दिख रहे हैं सब ऐसे बैठे इधर उधर देख रहे हैं क्या हो गया भूल गया सब भूल गए तो बड़ा बहुत ही फन एक्सपीरियंस भी था मैं गया था तो शुरू जैसे ही मैं ग्रीन रूम में गया मैं वक् चौदी कर रहा हूँ मैं हंस हस रहा हूँ शायद बोल रहा है बहुत खुश है मैं दो महीने से स्टैंड अप नहीं किया हाँ, गया। ग्रीन रूम में आने में बहुत मजा आ रहा है मुझे स्टेज पे गया बहुत मजा आया बॉम्ब हुआ वापस आया तब भी मजा अब जैसे तेरा आज भी स्पॉट है ना हाँ। तो अब तूने कल बॉम्ब करा है तेरे को आज जाने में थोड़ा सा भी रिलेक्टेंस फील हो रहा है कि मैंने नहीं करना है या नहीं दो महीने से किया नहीं मैं तो रोज मैं दिन में दो बार चला जाऊंगा तो कल मैंने लिए कल दो स्पॉट लिए और उसके अपना बिट पे काम करूंगा जो मुझे, जो को जब मिड लेवल जाता है पूरी तरह खराब नहीं गया थोड़ा गया तो, तो लगता है वो है, फिक्सिबल है। या फिर कुछ एक नया अच्छा चला गया तो एक्साइटमेंट होता है इसको करना करना वो तो है जैसे ही एक बहुत खराब शो होता है तो ऐसा लगता है मुझे नहीं करना है बहुत खराब लगता है हर बार और जब बहुत अच्छा भी होता है क्या किसका जरूरत है <laughs> मैंने कल वो जो किया था कि मैं चाइना में घूम रहा हूँ घूमने गया था काफी तो मैं बोल नहीं पाता चाइनीज पर समझ तो लेता हूं कि हिंदी नहीं है ये <laughs> को, कोई और ही लैंग्वेज लग रही बहुत तेज तेज बोल फिर मैं दो तीन जोक है तो यहाँ से से मैंने शुरू किया था तो जो चाइना वाले जोक है क्योंकि बहुत एब्सर्ड है बहुत स्टूपड तो वो फनी लग रहे थे तो अब मैं जाके उनके ऊपर काम करूंगा तो एज लॉन्ग एज आई गो ऑन स्टेज एंड आई फाइंड समथिंग न्यू टू वर्क ऑन आई एम फाइन मतलब आई ऑल्सो फील फाइन बट

वो भी है हैबिटेट ग्रीन रूम आई थिंक सबसे मस्ती के लिए सबसे बढ़िया ग्रीन रूम वही हाँ, है जगह भी है हाँ, बैठने की जगह है बैठने की इसी में वो प्रॉब्लम है कि बैठने की जगह नहीं नहीं और खाना आ जाता है अगर तुम्हारा मन बन जाए बियर पीनी है हाँ, बियर पीने जा सकते हो या या और तुम्हें शो मतलब शो दिख भी रहा होता है क्या कैसे पूरी तरह से डिटैच नहीं हो शो से वो तो मैं चाहता हूं हो जाऊं अच्छा थोड़ा बहुत सुन सकते हैं लेकिन बटन होना चाहिए जैसे जैसे में बटन है। बटन है है ऑन ऑफ नहीं जैसे अगर मान लो कुछ अचानक से कुछ स्टेज पे आग लग गई कुछ कुछ तो दो तो तो ये ये बार ऐसा लगा कि भागना पड़ा हमको जान बचाने के लिए क्योंकि स्टेज पे आग लग से थर्टी नाइन कितना होता है जीरो बार हुआ है मुझे मैथ्स तो नहीं आती इतनी लेकिन आई फील लाइक तो अपने स्टैंड अप करियर में ऐसा क्या कुछ क्रेजी विटनेस करना चाहेगा जो तेरे या तो तेरे शो में हो या फिर हाँ <laughs> 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 वही सबसे क्रेजी है मैं अपने पर्सपेक्टिव से देख रहा हूँ कि मुझे क्या मस्त करना है बाकी जनता हो सकता है कि मैं कोई ओपन एयर थिएटर कर रहा हूँ और मेटी गिर जाए

बट हम लोग कॉलेज में थे और विशाल ददला नहीं कूदा था <laughs> कूदा था हाँ और भाई वो बच्चे जिन्होंने उठाया था बाद में बहुत गुस्सा हो रहे थे कि हम लोग को बताया नहीं गया था कि ये ऐसे <laughs> करेंगे और हमारे हाथ में चोट लग गई बहुत भारी <laughs> <laughs> और दो बार कूद गया भाई पहली बार कूदा लोगों ने बोला होगा कि भाई अब मत करना फिर से एक बार क्योंकि ले रखी थी उसने <laughs> भाग ही जा रहा है स्टेज पर और कूद गया वो और शेखर दोनों आए थे और बहुत घटिया परफॉर्म किया और दो बार कूदा भाई नॉट नॉट कूल हमारे कॉलेज में सुखविंदर सिंह आया था पता नहीं शायद बताया नहीं बताया नहीं सुखविंदर सिंह आया था ठीक है शो से पहले खूब नशा कर लिया उसने भी फिर उसके बाद स्टेज पे जाता है और दो एंकर कर रही थी लड़कियाँ और दोनों बहुत सुंदर दिखती थी कॉलेज की अच्छा कॉलेज की स्टूडेंट थी हाँ कॉलेज की स्टूडेंट्स थी तो वो इंट्रोड्यूस करके गई कि सुखविंदर तो सिंह करके ठीक <laughs> है चली गई विंग्स में हाँ। और फिर वो स्टेज पे आया उसने एक गाने गाया फिर कहता है अनुजा कम अच्छा बुला लिया जिसने जो कम और वो थोड़ी रिलकटेंट सी थी और क्योंकि उसने देख लिया था कि ऑफ स्टेज बहुत पिया हुआ है तो कहता है वाई फीलिंग शाय फादर वॉचिंग मदर वॉचिंग सुखविंदर सिंह मदर वॉचिंग वाई फीलिंग शाय और मैं ईमानदारी से मैं थोड़ा ना रजिस्टर ही नहीं करा बोले जा रहे तब से तो मेरे दोस्त ने मेरे को बगल में समझाया कि, कि तुम इतना शर्मा हो माँ बाप थोड़ी ना देख रहे मेरे को लग रहा था कि कुछ गाने का पार्ट है ये क्या है फादर वॉचिंग या मुझे लगा कुछ ऐसा मतलब क्या बोल रहा है भी कुछ कर रखा था जो जिस लेवल पेरे तो तो वो तो फिर कुछ नहीं अपने जॉब वॉब में और वो कह रहे थे कि अरे हमारे कॉलेज में भी करता था हमारे कॉलेज में भी आया था और उसके बाद ये गाना गाता था एक वाला लेकिन हमारे वाले में उसने कोई रोमांटिक गाना बताया कि जिसमें उसको एक कुछ जैसे साथ में वाइब करने के लिए लड़की चाहिए होती थी बट उसने हमारे कॉलेज में अनुजा फादर वाचिंग मदर वाचिंग अनुजा कम कम चिल्लाने के बाद गया था कुछ करिए <laughs> <laughs> कुछ करिए दस दस वेरी कॉल यार ये लाइव परफॉर्मेंसेस में एक तो वो बहुत फनी था अरिजीत बहुत अच्छा गाता है है ना और अरिजीत लाइव गाता है तो वो बेसिकली लिपसिंक नहीं करता तो एक वही वाला है जिसमें वो कि फकिंग फिक्स दिस माइक और वो गुस्सा हो गया क्योंकि भाई उसको परफॉर्म करना होता है वो पीछे hmm. गाने नहीं चल रहे होते तो hmm. अगर उसका माइक नहीं चल रहा है तो उसका तो मूड खराब हो गया एंड ही इज मोर इनटू हिम परफॉर्मिंग देन पीपल पीपल एंजॉय आल्सो ऑफ कोर्स बट ही इज अ ट्रू आर्टिस्ट भाई वो गा भी रॉकस्टार का गाना रहा था तो उसके अंदर वो एंग्जाइटी थी बट <laughs> कोई जो कॉमेडी करता है मेरे साथ सभी वो बता रहा था क्योंकि वो ये सारे स्टेज शोज वगैरह भी प्रोड्यूस करता है तो बता रहा था कैसे कि लेवल्स होते हैं एक है जिसमें तुम पूरा ही वो चला दो माइक तुम्हारा ही है तुम कुछ भी कर रहे हो और पीछे से ही आवाज आ रही है और एक होता है जो फुल लाइव गाते हैं और ज्यादातर लोग बीच का करते हैं बट hmm. वो एक दो लोगों के नाम बता रहा है जो फुल ही ऐसा करते हैं कि पीछे चल ही रहा है तुम खाली हे कौन आप यही सब कर रहे हो तो बाकी एक्सपोज कर रहे <laughs> हैं मुझे याद भी नहीं है और उसने बताए थे आई थिंक कॉल हिम और okay. उसके बाद उससे बोलेंगे कि सारे एक्सपोज करोगे हाँ, आप लोग कर सकते हो कौन कौन से करेक्ट करेक्ट आई नो फॉर फैक्ट कि सोनू निगम तो लाइव गाता है सोनू निगम लाइव गाता है भाई क्योंकि वो अच्छे गानों को खराब कर देता है तो हाँ। वो लाइव ही किया जाए नहीं एक्चुअली लाइव में यही करना होता है कि थोड़ा सा गाने की एक हरकत बदल दो हाँ ऐसे तो भाई एक नहीं 12 हाँ। <laughs> जो है समा <laughs> इस करके <laughs> और सुनने का बहुत करता है बहुत लास्ट वर्ड पकड़ के कुछ भी कल हो ना और साला इसलिए पता है मेरे को लगता है क्यों करते हैं क्योंकि ऑडियंस भी भी साथ लग तो है तो लगता अच्छा बेंच जो, जो मैं कर रहा हूं, तुम भी कर रहा तुम लोगे तो फिर, तो नहीं फिर नहीं कर तो ले, कल हो ना हो भड़वे यार मुझे वो जोक बहुत पसंद है पीयूष हाँ. का है पीयूष टेंगुरिया का कि याद है बचपन में हम लोग इस तरह के फ्रेजे होते हैं जिसमें दिमाग खराब करते थे जैसे कि बोलो जैसे चले आप बोलो पेंसिल hmm. तो लोग कहते हैं पेंसिल तुम्हारा बाप बढ़वा <laughs> 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 <because so ridiculous. laughs> <laughs> हर बार मेरा इसमें पपलू हो जाता है कि वो कुछ बुलवाते हैं और फिर अनएक्सपेक्टेड कर देते हैं एंड पीपल इज स्टिल थिंकिंग शादी कैंसिल वेरी फनी डू <laughs> मैं आज इससे बोल रहा था एक बंदे से कि विजुअल जोक्स करेंगे तो मैं पहले विजुअल जोक के लिए एक किसी आर्टिस्ट को बोला था बनाने के लिए तो वो जो ये था कि ये बंदा कहता है कि काला घोड़ा चलें तो कहती है हाँ तो काला घोड़ा चल देता है चेस खेल रहा था हा, वो बाद में हा, जूम करता तो इस तरह के फ्लिप्स इन कॉमिक स्ट्रिप या फिर ड्राइंग में तुम काफ़ी कर सकते हो तो आई थॉट ऑफ समथिंग आई टोल्ड दिस वन इसलिए मैंने वो इंस्टाग्राम पर डाला था

उस बस लेकिन प्रॉब्लम एनिमेशन का ये है कि वो बहुत टाइम लगाता है रेंडर वगैरह होने में और बहुत महंगा है तो आई नो अ फ्यू कॉमिक्स उन्होंने जिन्होंने प्लान किया था फिर कहना ये कोई पॉइंट नहीं है इसका

कोई घर पे तुमको बता सकता है कि ये खाना कैसे बनाना है पर बनाना उसको बिल्कुल नहीं आता जैसे मैं घर पे करता हूँ थोड़ा सा ऊपर से ना उमामी आए और अंदर से उमामिया उसमें सॉल्ट वाली हो रही तुम एक बार कढ़ाई बस ऑन कर स्टार्ट करके दिखा दो वो नहीं आता <laughs> तेल गर्म करना नहीं आता लेकिन खाने की एक्सपेक्टेशन बहुत मैं ऐसे अपने दोस्तों से बहुत बार बोलता हूँ की कुछ खाने चले कहते क्या मैं कहता हूँ कुछ जो क्रिस्पी और मसालेदार भी हो बट ठंडा हो और ऐसे कुछ ऐसे हो फिर कुरकुरे फेंक देते हैं मेरी तरफ हाँ बट ये ऐसे ऐसे मेरे को कि ये क्लाइंट की तरह ये ले आओ मेरे सामने आने में बहुत मजा <laughs> आता है कि हाँ। अरे जैसे उसमें था गो गोवा गौन में नहीं कहता है तो देखिए गो गोवा हाँ, तो उसमें वीरदास आर्टिस्ट होता है तो कहता है ये बनाना यार एक्चुअली तीस परसेंट और हैप्पी करो हाँ, हाँ, नहीं, नहीं वो गो गिंग डेली बलिंग हाँ सॉरी बली

हाँ वो भी है बंदा एक्चुअली हाँ, वो भी है हाँ. बट आ, दिस गाय जो ऑफिस ऑफिस में नहीं बनता है जिसका इंटरव्यू यार यार मनोज प्रभाकर मनोज मन, प्रभाकर मनोज हाँ. पावा का वैसा है कि उसकी गर्दन नहीं है सर यहां अपनी शोल्डर पे टिका हुआ फनी उसका क्या कहते हैं दिल धड़कने दो में एक सीन आता है जिसमें पीछे वो कुछ मी लगा देते हैं Okay, okay. तो फिर वो कुछ कह रही थी किसने किसने कर, किस कर कि भाभी जी जोक्स <laughs> जाने दो <laughs> तो ये दिस इज कैच प्रेज इन ग्रुप नाउ जैसे अगर कोई कुछ बड़ा मान रहा हो तो भाभी जी जोक्स था रिलैक्स <laughs> तो तुम लोग ये करते हो किसी मूवी का कैच प्रेज वगैरह का बहुत बहुत ज्यादा मूवी मीम मीम एक hmm. वो आ, बीच में इतना आया था के केबीसी खेल रहा है अमिताभ बच्चन एक कुत्ते के साथ और कुछ आ, कुछ तो फनी कुछ बोलता है और फिर कुत्ता ऐसे पागल है वाह फुल मस्ती बाजी। <laughs> <laughs> तो वो भी बन गया था कुछ बोल रहे वाह फुल मस्ती बाजी।, But <laughs> मस्ती बाजी वाला जो चीज है hmm. is that an actual video? नहीं,

और फिर उसके बाद कुछ भी अमित मस्ती करता है तो फिर जी फुल फुल तो वो बस रंडी बाजी के फुल होते जा रहे हैं जैसे कुल्लू का है, हैंडल भी कुल्लू बाजी है तो हाँ। तो बस न, ये नहीं वो तो मैं समझ गया लेकिन ये अम, अमिताभ बच्चन के सामने कुत्ता बैठा है और वो फुल मस्ती बाजी जो बोल रहा है ये क्या है क्योंकि इट वाज जस्ट अ डॉग लाफिंग वेरी हार्ड एकदम वाओ अमित जी फुल वस्तीबाजी जस्ट वेरी एब्सर्ड यार इसलिए मीम्स की रीच इतनी ज्यादा क्यों और हर चीज में पता है आ, मतलब सेक्स वाले उसमें भी अगर तुम देखोगे तो मीम्स बहुत पॉपुलर हैं पॉर्न शेयर करते रहते हैं मीम्स तो उसकी जो रीच है वो बहुत और और पहले ये होता था कि

और उसमें लड़की को हटा के और एक स्टिक फिगर वाला मुंह और एक ये बना दिया hmm. और वही एक मीम टेम्पलेट uh, बन गया है तो अब ये लड़की जो बोल रही थी उसको हटाई दिया है दैट वुमेन्स नाउ नॉट पॉपुलर आल्सो जबकि मीम्स hmm. में जनरली अगर वायरल होता है तो इंसान पॉपुलर होता है इसका हटा दिया है सिर्फ उसका धड़ है तो वी डोंट इवन नो हु ट मैं, मैं, मैं जब ये एट्स तक तो सब पॉन वेबसाइट बताते रहते थे पिंक वर्ल्ड जाओ ये सब कुछ कुछ करो या, या मतलब बहुत बुरे पुराने जमाने का और घटिया क्वालिटी के पिंक वर्ल्ड तो लेकिन नहीं वीडियोस होते थे पिंक वर्ल्ड में ओके okay. फिर मेरे एक दोस्त ने बताया कि भाई बॉलीवुड सेक्स डॉट नेट देख <laughs> उसमें फोटोशॉप उसमें फोटोशॉप रहता है बट मैं रजिस्टर नहीं कर रहा था कि फोटोशॉप है मैं तो ऐसे हो गया था क्या काजोल काजोल मैम आप भी <laughs> ये तो आपसे तो नहीं एक्सपेक्टेड था ये और मैं बहुत मतलब ऐसे बहुत हार्ड ब्रोकन सा था कि ये गलत है ये तो ये क्यों yeah. हो रहा है ये सब कुछ फिर मैंने एवं एक देखा जिसमें रानी मुखर्जी का था <laughs> वो ऐसे कुछ पकड़े और मुस्कुरा रही है लेकिन वो जो मुस्कुराता हुआ चेहरा था वो, वो बंटी और पब्लिक के पोस्टर से उठाया हुआ था तो मैं कहा ये देखा हुआ है मैंने देखा हुआ है। फिर जाकर देखा बंटी पब्ली में कहा ठीक है ठीक है ठीक है काफी देर <laughs> में रजिस्टर किया सॉरी काजोल मैम सॉरी हमने आपको गलत समझा भाई एक तो ये जैसे तू बोल रहा है कि बहुत देर में रजिस्टर किया और ये ऐसे मुस्कुरा आ रही थी एक्चुअली छोड़िए नहीं बोलूंगा <laughs> चोड़ी चोड़ी। चोड़ी। आ, एक एक और पता है एक और एपिसोड में को पता नहीं तो क्या बोलना है बट कुछ नहीं, तो गलत ही या या एक जैसी जैसी कोई नहीं में हाँ। एक बहुत बड़ा एपिसोडिक आर्क था ये

जिसमें उसका चश्मा अच्छा। उतर जाता है दांत से वो ब्रेसिस हट जाते हैं और वो बहुत हॉट बन जाती है हाँ। और फिर उसके बाद आ, उसको डिफेम करने के लिए लोग क्या करते हैं अब पता नहीं हो जस्सी कहा बनने की बात करते हैं घर कर, पहले करते हैं एक बहुत बड़ा बिल बोर्ड पे एक मॉडल है जो सैटन के ऐसे कुछ ड्रेस पहन के ऐसे बहुत ही कुछ सेक्सी सपोज ये हो उसमें उसका चेहरा फोटोशॉप करके उसको लगा देते हैं तो ये हो जाता है कि इसने इतनी ऐसी मतलब ऑलमोस्ट न्यूड मॉडलिंग कर दी तो जस्सी का को हमने डिफेम कर दिया

कैरेक्टर uh, के साथ नहीं चिपक सकता ये बंदा एंड ऑल्सो ही इज ट्राइंग टू शो समबडी हु हैड लाइक अ मेंटल इलनेस लेकिन कुछ भी जो इसने कैरिकेचर वाली एक्टिंग करी है दैट काइंड ऑफ डिफेम्स इट ओनली और थोड़ा सा उसको कैरिकेचर बना के तुमने बेजती ही करी है तुमने कुछ कुछ रिस्पेक्ट नहीं है एम्पथी नहीं दिखी उसमें प्लस जो, जो उसका दोस्त है वो बोलता मैं कच्चे बना दो मेरे दादा भी कच्छा बनाते थे और फिर रूपा जो भी उन्होंने किया है वेरी स्टूपिड एंगल ये किसी राइटर ने आइडिया दिया होगा पिच किया होगा उन्होंने बोला हाँ सही लग रहा है भाई एंड पूरी मूवी खराब कर दी मुझे आमिर खान इन जनरल ही नहीं पसंद है फॉर टू वेरी बिग रीज़न्स वन ही इज़ अ वेरी बिग बोर आई थिंक कम्स वेरी क्लोज टू रिथिक रोशन ठीक है कि जैसे पंजा लड़ाते अगर वो बोरियत का मैच खेले तो ऋतिक बस एक पॉइंट से ही जीतेगा आई थिंक वो हमेशा बीच में ही रहेंगे दोनों हाथ हाँ ना ये दबा पाएगा ना वो दबा पाएगा दोनों लड़ते हैं और दूसरा उसके राउंड जो ये बना रखा है कि kind of हाँ, की ये परफेक्शनिस्ट right. है ये है वो है एडी मतलब को डांट देता है कि नहीं डंका शॉट फिर से लेंगे करेंगे भाई हर बार जो तुम लंबा शूट करते हो तो बहुत बहन जो बजट वेस्ट होता रहता है हां uh. उसका फिल्म प्रोडक्शन सेट का ओनली बिकॉज़ यू कैन अफोर्ड इट इज बिकॉज़ इज द रीजन व्हाई यू आर अ परफेक्शनिस्ट वरना ये परफेक्शन मिस्टर परफेक्शनिस्ट का जो टैग है जो कि वो खुद भी बहुत प्राउडली फ्लॉन्ट करता है दैट इज प्रॉब्लमेटिक टू मी या नो इट्स ट्रू एंड आल्सो

अगर ये चल रहा है तो भी मेरे पूरी तरह सक्सेसफुल नहीं है खराब है तो भी मेरे को पूरी तरह मत ब्लेम करो हाँ। लेकिन ये नाटक ये क्या करता है उल्टा सीधा कि जैसे पिक्चर खराब है कहेगा मैं आई टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ताकि वो बाद में जब चले तो बोले कि ये भी मेरा ही वो प्रोडक्ट लेकिन है। ये अच्छा है ये बुरी बात नहीं है क्योंकि

हर बार उसमें भी आमिर मेरे से यंग ही दिखता है <laughs> <laughs> मैं जब कॉलेज में था तो भी मैं जब मेरे से जवान दिखता था हाँ। अब तो मैं लेजेट तीस का हो गया अब तो मेरे से कहीं गुना ज्यादा जवान दिखता है वो या, yeah, या, yeah. क्योंकि परफेक्शनिस्ट <coughs> है ना वो हाँ <laughs> तो अपने झुर्रियों में भी कुछ आने नहीं देता है <laughs> <laughs> बैठ के घिसता है पूरे दिन और उसने अभी अच्छा हम लोग ये रेटिंग की बात कर रहे थे कि ऋतिक रोशन

सुन सुन लिया मैंने लगान की शूटिंग के बारे में सब कुछ फिर उसके बाद क्या करें आप लड़की चाहिए अवकाठो खाएंगे ये करेंगे पराठे नहीं खाएंगे वह बेवकूफ़ साले <laughs> इसीलिए जो बोरिंग लोग हैं वो अपने एज की लड़कियां नहीं बटा सकते नहीं 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 है ना उनको कम से कम दस बारह साल का लंबा हाँ। वो चाहिए कि इतनी इंटरेस्टिंग कहानियां ये दो महीने में सुनाएंगे तो तब तक पढ़ जाएगी और जैसी लड़की बोलेगी अब मैं बोर हो गई तो नई लड़की सत्रह साल की एक और मैं मैं ब्लेम नहीं कर रहा, मतलब है, यही उनका स्टाइल ऐसा मुझे आ, यह तुमने एक प्री स्टैंड कोई ऐसे रूटीन या गैग्स हुआ करते थे जो तो ऐसे लोगों को बस बताता था कि मैं ऐसा करूँगा विच यू डेंट रियली मीन बट कि मैं ये करने वाला हूँ वो करने वाला हूँ ऐसे कुछ करके गैग गैग या फिर जैसे मैं अपने दोस्तों को हमेशा ऐसे बताता रहता था कि मेरा प्लान सेट है मैं कभी मैं अभी तो नहीं करूँगा शादी फिर मैं चालीस पे शादी करना शुरू करूँगा एक बाईस साल की लड़की से फिर उसके बाद जैसी वो तीस जो उससे करूँगा जो मेरे पैसे के लिए मेरे से शादी करेगी ठीक है मेरी पर्सनलिटी वगैरह के लिए नहीं फिर वो एक साल में उसको रियलाइज़ हो गया कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता है वो मेरे साथ बहुत दुखी है तो फिर मैं वो छोड़ के जाएगी और फिर वो छोड़ के जब जा रही होगी तब फिर मैं एक नई बाईस साल की लड़की लाऊंगा और वो हर एक एक साल में वो करते जाएंगे तो आई विल कीप एजिंग बट माई वाइफ विल ऑलवेज रिमेन ट्वेंटी टू एंड आई विल बी नोन एज द गाय विद द ट्वेंटी टू ईयर ओल्ड वाइफ दिस इज़ अ रूटीन आई यूज़ टू टेल माई फ्रेंड्स जो कि फिर वो अचानक से पर फिर वो एल्यूमनी ले जाएगी फ्री हो जाएगा हो जाएगा मैं कह भाई ऑब्वियसलीज जोक लेकिन बट अच्छा आइडिया लग रहा है मतलब जस्ट मेरे को वो चीज़ से बहुत फैसिनेटेड रहता हूँ कि हु इज यू ही इज द मैन विद ही मैन विद यो शूज इज द मैन विद य वन पर्टिकुलर आइडेंटिफायर तूने जो तू बहुत चीजें कर सकता था ऐसे तो है ना मतलब एक पीला जूता बहुत सस्ता पड़ता <laughs> <देन>, <laughs> 26, साल की लड़कियां जो लेके भाग ठीक है तूने आइडेंटिफायर बहुत महंगा चुना टैटू लोग टैटू क्यों करवाते हैं उसका ऑल्सर तुझे कभी टैटू करवाने का कभी मन किया कई बार लेकिन कभी मैं ये नहीं डिसाइड कर पाया मेरी बॉडी पे परमानेंटली क्या रहेगा क्योंकि मैं इतना फिकल माइंडेड हूँ Change मुझे तो डर हाँ हमेशा चेंज होता है तो मुझे तो ये डर लगता है बहन कि स्टैंड से कहीं चाँ ना चला जाए कभी जिंदगी में अगर hmm. वो चला जाएगा तो क्योंकि दिस इज अज पार्ट ऑफ माई आइडेंटिटी नाउ इन टर्म्स ऑफ वॉट आई स्पेंड माई टाइम विद राइट तो विच हैपन विद थिएटर अच्छा था ही नहीं तो मेरा कभी इंटरेस्ट ही नहीं बिल्ड हो पाया right. थिएटर में थोड़ा सा अच्छा होता था। और फिर जब मैंने और प्रॉपरली करना शुरू करा तो मैंने रियालाइज करा ये सारी बहुत मुश्किल चीजें जो मैं नहीं जैसे अभी इस समय इंडिया में एमएमए का सीन भी आई है कि एक तो मतलब हम कोई जो भी मैं जानता कोई बहुत अच्छे हम नहीं हैं लेकिन अगर हो भी जाते तो भाई पैसा कमाना एमएमए में आ, करियर बनाना बहुत मुश्किल है इंडिया में स्पेशली तो अगर तुम सोचो कि एक तो तुम पीक पे भी नहीं हो ऐसा भी नहीं है कि तुम टॉप टेन परसेंट में भी हो और उसके बावजूद जो टॉप टेन में वो भी पैसे नहीं कमा रहे तो ऐसी फील्ड में जाने का पॉइंट क्या है वो बहुत मुश्किल तो शौक के लिए ही कर सकते हो मैं एक्चुअली होल्सो अब 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 बेटर हो रहा है अब ने एक बंदे को अभी चूज किया था अंशुल अंशुलज देर तो धीरे धीरे sure हाँ, पूरी तरह से इंडस्ट्री इवॉल्व हो जाएगी तक तक खैर एज डिपेंडेंट भी हमारा तो गया ही बट हम हाँ। कह रहे हैं कि बाकी लोगों के लिए अब सोचना हो सकता है शुरू कर दें दस साल में थिएटर वॉज एज डिपेंडेंट थिएटर तो करते बट When I was in uh, VIT, I called somebody from Chennai who was a part of a theatre group. He was 55 years old, I think. और okay. वो okay. 30 साल से कुछ कर रहे थे theatre. अच्छा ठीक है। तो uh, उसने मैं उनसे ये पूछा था कि आ खुश हो अभी तक आपकी लाइफ जैसी गई है, okay, yeah, कुछ वो नहीं है ये नहीं है पर वो सिर्फ नहीं कर ना वो... थिएटर वर्कशॉप्स करते थे प्लेस करते थे अपने वो हमारे पूरे थिएटर के साथ दारू पीने गए और फिर बताया तो मैं तो उसमें भी डिस्करेज हो गया था भाई ये थोड़ा सही सा नहीं लग रहा है मतलब आप सेटिसफाइड तो एक लाइन में दे दिया जब इलेबोरेट करके दिखाया तो बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स दिख रही और वो रोने वोने लगे होंगे दारू पी के एक्टिंग अच्छी करते हैं तो आंसू इतने इतने टफ उन्होंने भी ये बताया था कि एक ड्रंक इंसान की एक्टिंग करना सबसे टफ एक्टिंग होती है क्योंकि सबको ऐसा लगता है थो थोड़ा झूम जाओ ये कर जाओ लेकिन तुम किसी जेन्युइन ड्रंक इंसान को ऑब्जर्व करना वो क्या कैसे बिहेव करता है बहुत अनप्रेडिक्टेबल होता है और बहुत अलग होते हैं सारे तो एक जेनेरिक उसकी एक्टिंग निकालना वो आई थिंक वो बिगेस्ट टेक है दारू पी गई पता नहीं कर सकते तुम <laughs> लेकिन लाश देखो ऐसे ही पड़ी <laughs> लेकिन भाई एक्टिंग इज डेफिनेटली टफ क्योंकि एक तो वो भी है यार कि आ, मैं ना हमेशा एक सारी चीजें एकदम अंडरस्टेटेड टाइप का ही बोलता हूं और उसमें जब तुमको वॉइस एम्पलीफाई करना पड़ता है वो कहते हैं और एक्सप्रेशन लाओ ये तुम आप अंडर प्ले कर रहे हो ओवर प्ले करो स्क्रीन के लिए ओवर प्ले मां जो मैं कर ही नहीं सकता यार वो तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता एक ऑडिशन में मैं चला गया था दिमाग खराब हो गया यार लोग इतनी एक्टिंग कर रहे हैं वो मेरे से बोल रहे थे कि आपको ऐसे बच्चा पकड़ना है आपका तो मैं ऐसे पकड़ा हुआ था और वो लोग भाई नर्स कर रहे हैं पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं हाँ सब कर दिया उन लोगों ने कहा इतनी एक्टिंग ऑन करता है भाई पागल हो क्या मुझे नॉर्मल इंसान की एक्टिंग करनी आती ये पागल की नहीं करनी आती

है? वो ये भेजना ना ठीक हाँ। है <laughs> यार एक्चुअली ये चीजें कर सकते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट ना तो जो उसकी बैक स्टोरी है अगर उसकी फोटो वोटो मिल जाए तो वो हम डाल देंगे अपने इंस्टाग्राम चैनल में जो अभी बंद होने वाले बट अगर, अगर हमारे लिसनर्स ऐसे हैं जो हम पे भरोसा ही नहीं करते हैं तो ठीक <laughs> है अगर हम तुमको इतनी कोई डीप रूटेड अच्छी कहानी बचपन से बता रहे हैं उसमें हम कैसे मान लें अखबार की क्लिपिंग दिखाओ तो हमें नहीं बतानी तुमको कोई। <laughs> वो ठीक रहते हैं <laughs> क्योंकि तेरे साथ ये कोई कभी गेम खेलता है अगर तू एक स्नैक होता तो क्या होता नहीं भाई ऐसे <laughs> ऐसे लोगों से नहीं बात होती <laughs> ये थोड़ा सा कॉफी विद करंट टाइप का क्वेश्चन कि स्विस रोल होता मैं कि और फिर उसमें कुछ एक सजेस्टिव सेक्सुअल सा कुछ बोलना होता मतलब <laughs> <इसे laughs> <कुछ इसे laughs> ये ये सजेस्टिव थोड़ी हुआ अगर तुमने बोल ही पे आई एव नॉट गुड लाइक करेक्ट बट कॉफी विद करण की खासियत ही यही है ये कि करण जो है हर चीज को घुमा और वो क्वेश्चन भी ऐसे पूछता है और अगर तुमको समझ में नहीं आया कि ये सजेस्टिव था तो वो पॉइंट आउट भी कर देगा hmm. तो अगर उसने बोला oh. हाँ, हाँ, okay, हाँ, okay, oh, हाँ. मैंने तो वो बोला <laughs> वो भटूरा बोला था क्या हाँ. क्या oh, मुझे लगा वो जो दो की बात कर है। <laughs> 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 या, या, करे बिल्कुल सीधे ऊपर से विल यू फर्स्ट लिखे अंदर से विल इट ये

इस गंदे का दिलजीत दोसांझ था और बादशाह था हाँ हाँ भाई दिलजीत दोसांझ 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 बहुत है इसकी बातों मैं। मैं। उसके इंस्टाग्राम वाले मैं कभी -कभी, मैं उसको कभी -कभी ना, खोल के देख लेता हूँ उसमें तो फनी पूरे टाइम फनी वक्ता है तो इस वाले एपिसोड में ऐसा कोई भी चीज नहीं थी जहाँ पे सेक्स से रिलेटेड कुछ बनाया जाए लेकिन जान बुझ के करण जोहर इज लाइक की आपने कभी आ, खेत में सेक्स किया है क्या हुँ. मतलब तुम एकदम आउटराइट ही पूछ लो वो कह रहा है कि नहीं किया <laughs> अरे नहीं किया है आपको पता है ना खेत में कैसे करते भाई तुम क्यों जबरदस्ती घुमा घुमा के उसको लेके यार हो सारे आंसर्स बनी थे और वो कपड़े वो लोग वो कुछ जो भी आगा वगैरह पहन के आते हैं तो उस पे बहुत महंगे कपड़े उसको बुलाया अपने लॉर्ड से बुलाया <laughs> बुला और क्या क्या अरमानी पहन के बोला अरे <laughs> भाई हम पॉइंट ही नहीं कर रहे सारी बातें जो तुम बार बार कर मैंने कॉफी विद करण बहुत ज्यादा देखना शुरू करा था

और शाहरुख का वो शुरुआत वाले इंटरव्यूज विद काजोल और वो सब वेरी वो, वो hmm. uh, से हुआ था धीरे hmm. धीरे व्हेन शाहरुख वॉज इन कमिंग बाकी लोग आ रहे थे पर तुमको इंटरेस्टिंग तो बनाना ही है hmm. और करण जो हर के लिए इंटरेस्टिंग का एक ही आइडिया है कि भाई सेक्स घुसा दो hmm. तो बस यही कि तुम और

तो। बट मतलब हु अगर तुम खुद को there are, there are way more अच्छा। people. भाई हम ओल्ड बालाजी वगैरह को हम सोचते हैं ये क्या है लेकिन इतने सारे लोग हैं जो देखते हैं वो उल्लू ऐप ये सारी जो चीजें हैं या yeah, हाँ नहीं मुझे पता है तो देख यार ओल्ड बालाजी में भी पहले हम लोग मजाक उड़ाते हैं ऑल्ट बालाजी पौन पॉन hmm. बट उसके बाद उल्लू उल्लू इज द वर्स है ना तो हाँ. उसको देख के ऐसा लगता है कि ओल्ड बालाजी के पास फिर भी प्रोडक्शन है और थोड़ी बेटर क्वालिटी है हाँ. उल्लू में तो भाई दीवारें भी गंदी दिख रही है सीसीटीवी कैमरा फुटेज खराब लेवल पे आ गया और भी है फिर उल्लू से भी गंदे होंगे आई एम श्योर तो दे आर जस्ट गोइंग लोअर एंड लोअर एवरी टाइम तो फिर ओटीटी का नाम उल्लू तक आ गया है कुछ महीनों की बात है ऐसे क्या <laughs> I'm sure गांडू is, गांडू एक फिल्म है पता एक है अरे वो मुझे पता है क्योंकि मैं एक बंदे को जानता था जो उसमें था मैं भी बंदे को जानता क्या? सौम्जी, सौम्जी थे क्या वो पतला लड़का जो जादू करता है नहीं जो नहीं। टकला वाला जो उसमें ओ, है, जो नहीं नहीं।, करता <laughs> <था>। <laughs> नहीं नहीं इसको नहीं जानता <laughs> वो हमारे वो भी कॉलेज में थिएटर सिखाने आया था हाँ अच्छा तो वो कॉलेज में थिएटर सिखाने आया था तो एक उसमें लड़का है एक पतला सा लड़का है वो जादू करता है वैसे तो और वो मेरे कॉलेज में जूनियर था हमारा हाँ। वो बता रहा था इस मूवी के बारे में कि मैं भी उसमें हूँ और वो बंगाल के जो भी थिएटर आर्टिस्ट होंगे सबको पकड़ के डाल दिया होगा तो ये भी था और वो लोग भी थे कुछ यंग थे जो कॉलेज के हमारे जूनियर होंगे जो सीनियर थे वो तेरे कॉलेज में पढ़ा रहे होंगे जो भी वो कोलकाता के थिएटर ग्रुप में थे हमारे कॉलेज में सिखाने, सिखाने आए थे हाँ। तो उसमें जो बंदा था सोमजीत जो गांडू में था उसमें ऐसा हल्ला हो गया था कि और अब ये बहुत बड़ा बन चुका है जो कि हमारे थिएटर ग्रुप में बस ये करते रहते थे कि थिएटर में फ्यूचर है छोड़ना ये मत करना। तो वो बंदा कह रहा था अभी आशिकी में आ रहा है आशिकी टू में और विलन बन के आ रहा है और हम सोच रहे फक भाई क्या है क्या है देखने गए पता है जो क्या बन के आता है एक सेकंड के लिए जब वो बाहर तेरह कपूर कहता है कि मैंने सुना आपका मैडम का कुछ सीन चल रहा है, बोल रहा है। और उसका उस थिएटर ये, ये, तुम, में बहुत रिस्पेक्ट कमाई है एक सेकंड का रोल मिल रहा है एंड आई थिंक इसी वाले बंदे का नाम क्या विनीत कुमार अरे नहीं नहीं तो हीरो हीरो मेन नवाज, नवाज, हाँ, तो नवाज ने भी शुरुआत नवाज, <laughs> नवाज भाई <laughs> यार नाम याद नहीं आ रहा हाँ। तो नवाज ने भी शुरुआत अपनी एक्टिंग की वैसे ही करी थी ना एक एक सेकंड के रोल कि वो मुन्ना भाई में चाटे खा रहा है सरफरोज में चाटे खा रहा है और कर करके थिंक नहीं नहीं बट आई दिल लेकिन हम लोग नवाज से मिले नहीं थे ना कि उसने सरफरोश से पहले बोला भाई मैं सरफरोश में आमिर से मेरे साथ एक एक्शन सीन है वो ऐसे ही बोलता होगा अगर कोई पूछेगा तो <laughs> बोलता होगा तो फिर हम उसको भी चूतिया बोल देंगे पहले जाके लेकिन अभी तो मेन तो हम स्वामीजीत का मजाक उड़ा रहे हैं <laughs> लेकिन अब स्वामीजीत का भी स्टेटस के, स्टेटस ये है कि उसने एक नहीं <laughs> करी थी जो कि फिल्म फिल्म एक्विजिशन टीम के थ्रू होते हुए थी जिसमें मैं काम करता था मैं ये जो स्वामीजीत है उसको याद था कि मैं मिला हुआ उससे एक्चुअली बहुत फनी था क्योंकि दोनों तो बोला फिल्म एक्विजिशन मैंने सुना फिल्म में <laughs> 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 इस जैन के लड़ो ने यहाँ पे भी कुछ गलत काम कर दिया <laughs> Sony और ऐसे बहुत सारे जैसे Z5 भी है हुँ. अब नाउ दे वर ट्राइंग टू बिल्ड इट अप लाइक नेटफ्लिक्स और Amazon हुँ. तो इसलिए एक पॉइंट पे जब मैं जो वेब सीरीज या जो भी मैं लिख रहा था लोग कह रहे थे इनको पिच करो इसमें ज्यादा चलेगा नहीं पर पैसे ज्यादा मिलेंगे बट देन आई थिंक अबाउट इट कि सोनी जब मेरे काम के पैसे नहीं देता इट इज नॉट ट्रू नॉट ट्रू एट ऑल क्योंकि द रीजन व्हाई नेटफ्लिक्स एंड प्राइम आर वर्किंग इज बिकॉज़ नेटफ्लिक्स हैज सम फकिंग इमेंस लेवल फंडिंग जो कि वो पैसा बस ब्लीड ही करे जा रहे हैं अभी Amazon also एंड Amazon has uh, अब वेटर बिगर बिजनेस बिजनेस जिसमें ये ये बंडल हुआ हुआ है 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 मेन तो उनका पीए है, तो उसमें Prime एक छोटा सा वो फ्री में में आ रहा है। हाँ, बाकी लेकिन आ, Sony और ये, Z5 ये, Z5 बिल्कुल प्रॉफिट नहीं था hmm. अब अब और जी मर्ज हो चुके हैं दोनों ही प्रॉफिट में, <laughs> <नहीं, laughs> sure. में था क्या <laughs> <laughs>

जो यूजर्स हैं वो तो बढ़ी जाएंगे इसमें like बहुत है बेस्ट बिगेस्ट सीरीज फिक्शन नॉन फिक्शन डजंट इवन टच व्हाट अ बेसिक स्पोर्टिंग इवेंट गेट्स यू इन टर्म्स ऑफ व्यूअरशिप तो सोनी लिव ये बो, बोलता होगा कि हमारे नंबर्स दिखाएं और स्पोर्ट वाले नंबर दिखा देता होगा वो तो हरा ही देगा बाकी सबको हम्म आई थिंक नाउ अब यार ये बहुत ही गंदी चीज़ इन्होंने कर दी है कि पहले इन लोगों ने बोला था टीवी हटाओ और तुमको जो देखना है ओटी टी में देखो अब हर ओ टी टी अलग, -अलग, अलग, -अलग हजार डालो हाँ। हम सोचते चलो क्रिकेट तो एक ही जगह देखते हैं अब उसकी भी अलग अलग सीरीज अलग अलग, अलग, -अलग तो अब भाई कितना पैसा खर्च करेगा आदमी हाँ भाई ये तो कुछ ऐसे बस ऐसे दस हजार तुम्हारे इसमें ही जा रहे हैं कि ऑप्शंस ले सको तुम हाँ एक्चुअली और ये क्यों करते हैं क्योंकि

तो चैनल का उनने ऐसे कर दिया था कि कोई भी चैनल इससे ज़्यादा चार्ज नहीं कर सकता ये नहीं कर सकता दो रुपये तीन रुपये हाँ मतलब पर, पर हर एक, एक चैनल का जो प्रीमियम चैनल्स हैं उसका वो कुछ कुछ कर दिया था तो सारे इन लोगों ने ब्रॉडकास्टर्स ने ऐसे कर दिया कि ठीक है अगर तुम पूरा बंडल ले लोगे तो तुम्हें सस्ता पड़ जाएगा

मैं जानता हूँ दोस्तों को जो बहुत बढ़िया मैं, मैं मैं तो स्पोर्ट्स भी नहीं देखता तो मैं ऐसा लगता है इससे भी तो मेरे को थ्रेट नहीं कर सकते लाइव नहीं देखने में मेरे अब वह बाद में भी नहीं देखना मेरे को <laughs> दूर पाए हाँ नहीं चाहिए सब तो हार रहे <laughs> 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 मैं तुझे तो बताया मेरी बहन ऐसे बोलती थी कि ये कि एक बॉल पर दो रन बना लोगे अगर

बोल रहे थे कि दिस बिकम टीवी hmm. वेब हाँ, टीवी And right, ठीक है मतलब मैंने बहुत तक सर, नहीं सर, जैसे देखा नई चीज़ ऐसे, ऐसे अब का गया खत्म खत्म ये खतम हो जाएगा टीवी तोड़ दो तो, तोड़ दो तो निकाल के फेंक दो कोई ज़रूरत ही नहीं बची है इतनी धीरे धीरे वो होता है लड़कियां खत्म मौका तो दो हो सकता है मुंह छुकाओ ताली बजा तो टाइम भी <laughs> थोड़ा उनका भी चाम है कुछ सबका भाई अपना अलग वो है अलग मजा है हम टीवी पे देखते हैं कई बार <laughs> खोल दे भाई टीवी कभी तुम खोलो कभी टीवी पे कोई पुरानी पिक्चर आ रही हो

तो जब तक जब वो प्यूबर्टी हिट करते हैं फोर्थ पार्ट में हम भी प्यूबर्टी हिट कर गए थे फोर्थ right, पार्ट में right. तो भाई फोर्थ पार्ट में सब लेजर लाइट लेके गए थे हर बस भैं गलीच से गलीच लड़के कोई कोई लेडी आई नहीं बस लेकिन स्कूल से अगर गए हो तो टीचर्स भी होंगी ना वो चिल्लाती नहीं ये क्या हो रहा है

तो वहाँ से मैं लेज़र लाइट मारना शुरू कर रहा था क्लास में घर से अपने बैठे बैठे कई बार मैं स्कूल नहीं जाता था कि मैं ये मस्ती कर सकूँ हाँ। लाइट मारता था और फिर एकदम से टीचर कौन कर रहा है क्या कर रहा है गुस्सा मेरे को सुनाई दे रहा था फिर मैं देखता था फिर पूरी क्लास की चेकिंग हो रही है हो रही है और वो बस ढूंढ रहे कहाँ है तो एक बार ही मैं भेंज में यूँ कर रहा था और ये मैं वीकली करता था ठीक है

मतलब ये एंट्री है क्लास की फिर उसके अंदर hmm. बोर्ड तक चली जाती थी और उन्होंने मेरे पापा को आके बोला था मेरे पापा मम्मी ये सब छोटी चीज़ों में फिर मेरे को डांटते नहीं थे ठीक ah. है अच्छी बात नहीं। <laughs> <laughs> ah, ये है एक्चुअली मेरी जी जी मम्मी तो टीचर है वो तो मारती ah. हैं <laughs> है, ऐसे कैसे तो है स्कूल से कम्प्लेन आ रही है hmm. उनके लिए तो दिस इज कार्डिनल सिन बहुत मारती मैं एक हमारे जो हम लोग जब नए घर में शिफ्ट हुए थे तो हमारे यहाँ पे कुछ पानी की प्रॉब्लम चल रही थी तो हमने अपने नेबर से बोला था आप हेल्प कर दोगे क्या

तो तो हाँ। शाहरुख बहुत सारे में होता था कुछ कुछ होते में भी था दिल तो पागले में भी था कि बस आप पापा आप, आप, आपकी पैंट कहा है ओ, मैं आज नहीं, है। आ, <laughs> नहीं है। लेकिन देखो अभी हम को लग रहा है दिस इज पर मैं एक बार स्कूल चला गया था बिना बैग के तो हो सकता है इट इज पॉसिबल बस मैं पीछे कैरियर में लगाता था और एक दिन लगाना भूल गया और भाई साइकिल <laughs> क्योंकि वो छह किलो का वेट जो भी है वो है नहीं, नहीं। और स्कूल पहुंच गया बिना बैग के और सब हंस रहे बच्चे हंस रहे टीचर रही, और फिर पापा दो पीरियड बाद लाके देके गए तो दो पीरियड तक बिना बैग के बैठा हुआ काफी बेजती हुई बट इट इज़ पॉसिबल कॉपी ऐसी बोर बोरो करके कुछ लिख रहा होगा कुछ नहीं बैठा कि मैं क्या करूँ <laughs> कुछ है ही नहीं करने का चिल टीचर ताने मार रही है बच्चे हंस रहे हैं कह रहे हैं अच्छा आइडिया है <laughs> <laughs> जब ये लेजर लाइट का तू बोल रहा है ना हमारा तो जब आया था तो एक बहुत पावरफुल लेजर लाइट तब निकली थी बड़ी वाली और उसमें ये भी था कि ये आंख में लगा दोगे तो अंधा हो जाएगा ये वो तो हम इसको इसके इसके, इसके, साथ ईवल डाइट देखोगे तो <laughs> <नहीं>, <laughs> ये लेजर लाइट भी मर जाएगी <laughs> ये था कि बहुत डेंजरस चीज है और ये किसी की आंख में चली गई तो अंधा हो जाएगा तो हमने तो यही सोच के खरीदी थी कि ये चार लोगों को अंधा मार देंगे और किसी ने ये बोला था कि आसमान में छेद हो जाता है ओजोन लेयर का वो तो ऐसे हाँ। कर कर के आसमान में हम छेद करते रहते तो फिर आसमान में छेद करके आई लव यू रिया लिखने की कोशिश कर रहे हो <laughs> पूरी दुनिया देखेगी आई लव यू कौन वो नहीं पता भाई पूरी दुनिया को अपना प्यार दिखाने का जो चुल है ना वो मैं कभी ढंग से समझ नहीं पाया नहीं मॉन्यूमेंट पे लिखो यहाँ पे लिखो हाथ पे लिखो हाँ छत पे जाके आई लव यू रिया लोग देख रहे कौन चूती है बिल्कुल cool. मैं तो मैं तो रिया को भी थोड़ा वैसे बताना चाहता हूँ आई आई हैव सम फीलिंग्स राइट नाउ कांट प्रिडिक्ट द फ्यूचर करेक्ट मैं पब्लिक मतलब मैं रिया की माँ को नहीं पता hmm. किसकी फैमिली बस रिया को ही पता है दैट इज हाउ डिस्क्रीट आई वांट टू बी इन लव और थोड़ा धीरे से ही बताते हैं जैसे बाद में पलट पाए ऐसे कि कि मैं तो लाइक <like> बोला था <laughs> 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 मैंने तो बोला था कि आई एडोर यू लव कब बोला लव स्टोरीज के एक बार ना हमारे टीचर कोई एक थे जो कि बहुत ही स्ट्रिक्ट टीचर हुआ करते थे हुँ. पर उन्होंने दूसरी टीचर को कंप्लेन किया कि एलेवेंथ क्लास के जो बच्चे हैं ये रोमांटिक नहीं है ये हमारे टाइम पे रोमांस हुआ करता था और हमने ठीक है कह रहे कि मतलब बता कुछ भी वही नहीं है अफेक्शन में इतना इनको छूता रहता हूँ <laughs> कोई रेसिप्रोकेट ही नहीं करता है सब आ, ऐसे टाइट खड़े हो के जाते हैं बस आ, और <laughs> कहते हैं सर ये है मत करिए गलत है <laughs> हाँ, मैं बता दूंगा अरे उनको क्या बताना <laughs> हमारी बात है हम कुछ बीच <laughs> में रहनी चाहिए ये प्यार है इसी को तो रोमांस कहते हैं तो उसने कम, मतलब उसने आपस में टीचर में बात कर रहे हैं ये लोग कि ये आजकल के बच्चे इनमें रोमांस ही नहीं है तो कैसे वो जनरली कैसे एक्सपेक्ट कर रहे थे रोमांस क्या था कि छुट्टी में तुम्हारी साइकिल चाहे सही हो तब भी तुम अपनी साइकिल से उतर के अपनी गर्लफ्रेंड के साथ पैदल चल रहे हो

कि कुछ कितने मैं मैं एक जो सेट रिकॉर्ड उसमें मैं वो लाइन करना भूल गया जिसमें मैं फिंगरिंग बोलता था मेरे को मैं चाहता था कि मेरे पास एक, hmm. तो एक बेटा <laughs> की लड़की, <laughs> लड़की की माँ ने बोला बेटा नमाज तो नहीं कि वो लड़का लड़की गुस्सा है लड़की गुस्सा है लड़का से और लड़का कह रहा है <laughs> <laughs> ये ये था मेरा जोक डू फिंगर्ड माई मदर अर्लियर दैटो रॉन्ग बट फादर फेल्टेरी रॉन्गेंट बट फिंगरिंग आई वॉन्ट टू यूज इट इन सम जोक क्योंकि बहुत ही बढ़िया लगता है मेरे को आपको सबसे अच्छा क्या लगता है, hmm, है hmm. ना, इस कुछ भी, तो कोई भी सीनारियो में अगर फिंगरिंग इंट्रोड्यूस कर दे तो जस्ट मेक्स इट एक्सट्रीमली रॉन्ग यूर राइट एक्सेप्ट इनसेक् हाँ, हाँ तब तो फिर वैसे हो रहा है कि तो तुम्हें तो क्या ही बोल रहे शुरू से गलत <laughs> कर ले तुम यहाँ पे क्या ही करोगे <laughs> <के>, फिंगरिंग <laughs> हाँ ये अच्छा है मैं जैसे मैं जोक के बीच में ऐसे रान डालता हूँ वो because मेरा फेवरेट बिकॉज़ ऑफ़ वेरी हाई शॉक वैल्यू अगेन या आल्सो अ फनी वर्ड तो वो जोक के बीच में आता तो बहुत मस्त लगता है तो आई हैव लाइक कई सारे ऐसे जोक हैं जहाँ पे यू वॉन्ट एक्सपेक्ट कि यहाँ पे आएगा रन क्योंकि तो ये एम्बेसडर के पास गया था <laughs> <laughs> ये, ये अपना वीजा इंटरव्यू करने गया था अमेरिकन एम्बेसी और उसके बाद रान वैसा इट्स पंदे <laughs>

हाँ। ना ऑडियंस में बैठी है कि ऐसे कैसे आपने मेरे बारे में बात कर दी तो वो उनके क्या कहेंगे मैडम तो आपको वो हुमाश दे रहे हैं <laughs> हम तो पुराने हम फैन हैं और आपका तो सबसे अर्लीस्ट प्रोफेशन है दुनिया का हम तो एड्स ऑफ टू यू मैडम जेनुन वो हैं स्टैंड <laughs> uh, बॉयज <stand boys. laughs> आप आपका ही काम देख देख के सीखे हैं हम <laughs> हम फ्री -लांसर बने हैं आपकी वजह से क्योंकि आप ब्रांड थी <laughs> ये डिसरिस्पेक्ट नहीं है भाई डिसरिस्पेक्ट हाँ, ये तो फिंगरिंग <laughs> 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 <Fingering. laughs> <laughs> इस इस एपिसोड का नाम फिंगरिंग फिंगरिंग एक्चुअली ये बहुत पुराना जोक है ना कि अरे इज अ गिटारिस्ट

हर एक चीज़ में गुस्सा देंगे <laughs> 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 मुझे सबसे ज़्यादा गुस्सा आता है ऐसे लोगों को हंसते हुए सुन जैसे कोई हंस रहा है ग्रुप एंड देन आई गो एंड हियर किसने किस बात पे हंसा hmm. तब मुझे बहुत इरीटेशन होता है कि तुम हाँ. इस बात पे हंसते हो विच दे आर इन्जॉइंग इट्स ओके बट इट्स जस्ट सम इट हर्ट्स मी सो मच कि तुम इस बात पर कैसे हंस सकते हुए? मैं एक बार एक अपनी एक्स को एक कॉमेडी शो में लेके गया था बहुत ही चूतिया जोक पे ऐसी थी और मैं उस पर बहुत गुस्सा हो गया था कि ब्रेकअप ये क्या है इस हाँ. चीज़, सब चीज़ों पर ऐसी आती थी कोई छोटी लुल्ली बोलने कोई है तो फिर उसने मेरे को कहा था कि तो क्या हो गया मतलब मतलब इज इट टेकिंग अवे एनी थिंग फ्राम वॉट यू डू क्या ओके आई एक्सेप्ट दैट आई लाफ एट बैड थिंग्स तो क्या बोला बट आई एम नॉट फीलिंग वेल करेक्ट योर एक्सट्रीम योर मतलब ऑन पॉइंट विथ दिस बट जिस मेक्स मी फील बैड कई बार आर्ग्यूमेंट में सही लॉजिकल बात इज नॉट नाइस टू हियर बार तुमको लगता है कि भाई सपोर्ट करो या फिर तुम हाँ, लड़ लो आई वॉन्ट रियाक्शन आई डोंट की अरे ये तो लॉजिक है लॉजिक कई लॉजिकारी वैसे होता है ना कि तुम किसी को हेट करना शुरू करो और फिर उसमें वो कुछ करने लग जाए एक्चुअली मैं कहा भाई मुझे <laughs> मानूम अच्छा आदमी है बट अभी मेरे साथ आके हेट कर सपोर्ट क्योंकि ये वैसा है यार अगर रिएक्शन चैनल है Hmm. और रिएक्शन ही नहीं तुम दे रहे <laughs> तुम सारी चीजें बैठ के देख रहे तो hmm. <laughs> <Play, play. laughs> so hmm. काम ही वही उसका है, है, है कि तो ओ, बारे बारे शेट। <laughs> ये, ये सभी तो इसी के लिए तो बनाया बहुत आला बहुत आला <laughs> <laughs> That's true. तो बहुत शाश्वत महेश्वरी नाम है लड़के का बहुत आला <laughs> भाई उसने एक पॉइंट पे तो ऐसे कर दिया था कि ये सरक

बहुत uh, मेमन नाम है लड़के का क्या मेमन हाँ फिर मैंने सोहेल वगैरह को मैसेज करा भाई क्या है बहुत क्या? मुस्लिम नाम नहीं तो कह रहा है कि कुछ उसने दो तीन मीनिंग बताया जिसमें से दी ओनली वन दैट वाज मेकिंग सेंस वो उसने कहा कि शायद मर्दाना है कहा ओके कूल 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 रियली मेमन मेमन या कुछ तो बोला था मेमन ही बोला था हाँ और फिर उसने कुछ एक तो कुछ और अजीब सा कुछ बहुत एपिस रैंडम सा बता दिया था कि कुछ वो है या फिर मर्दाना हो सकता है मर्दाना ही होगा <laughs> दूसरा वाला <laughs> मर्दाना तो मर्दाना मर्दाना sense, हाँ <laughs> <laughs> हम लोग यहाँ ऐसे बोल रहे हैं आ, मुस्लिम नहीं बोलेंगे ऐसे बोले

कैसे बोल रहा है अच्छा इसलिए कि कि वो समझ वो मेरे को ये ये भी वाली टेक्निक बहुत बहुत अजीब लगती है है कोई बंगाली दादा ये, <laughs> ए, भटिंडा किधर पड़ेगा कुछ रैंडम बकवास जो ही करते हैं दूर <laughs> 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 दूर तीन चार स्टेट दूर है, पागल आदमी भटिंडा। <laughs> तेरे को और नहीं लगता कि उस उस तो कि हम कोई पंजाबी या फिर तो वो पंजाबी ड्राइवर था ओ बाजी <laughs> तो करीमा बैठी है पीछे और एक दोस्त बैठी है पंजाबी एंड मैं सोचा पंजाबी में बात करूंगा लेकिन बीच में ना एक वर्ड मुझे आ नहीं रहा था तो मैंने कहा पंजाबी तुसी कहाँ से हो <laughs> 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 करीमा कहती ये पंजाबी बोल रही है वेरी बडी एक्चुअली कहाँ से बिलोंग करते हैं भाई साहब <laughs> वेरी फनी सर मुझे आती है पंजाबी समझ में तो आती है। बोलने भी आती है थोड़ी क्योंकि hmm. मैं सुन तो बचपन से सारे पंजाबी थे आसपास बट कभी कभी भूल जाते हो भाई मुझे नहीं? पंजाबी पूरी समझ में आती है आ? बस गलत आती है करेक्ट कि तू तो बोलेगा मैं समझ जाऊँगा बट गलत समझूंगा राइट right. मैं गलत समझूंगा तुझे <laughs> <laughs> जब भी तू तो पंजाबी में बोलेगा तो मेरी माँ के बारे में बोल क्या तो तेरा उसके साथ अफेयर है नहीं आप मुझे गलत समझ रहे हो आई नो मुझे पंजाबी नहीं आती उसकी बहुत मनी लगती है वो वीडियो डालता था आ, अब उसने शायद डालने बंद कर दिया है रवि कान पड़ गई अच्छा सॉरी <laughs> <laughs> रवि गुप्ता हाँ। रवि गुप्ता डालता था, था ना। तो ही वुड डू वो पंजाबी कोई शेफ है रणवीर बराड़ की बहुत अच्छी नहीं रणवीर बराड़ की तो अच्छी करता है ऐसे करता है उसने हम पनीर करेंगे बहुत अच्छी एक्टिंग करता है लेकिन वो कर रहा था किसी दूसरे सरदार शेफ की तो वो अस्सी इसमें डालेंगे तो सब गलत पंजाबी बोले अरे इट्स वेरी स्टूपेट और कर देंगे तो इट वाज वेरी वेरी स्टूपेट वेरी फनी तो

करीमा पंजाबी बच्चे की बहुत अच्छी एक्टिंग करती है हाँ कभी दिखाएंगे तुम <laughs> <laughs> वो बेसिकली ऐसी करती है कि एक पंजाबी छोटा लड़का है और वो अपने पापा को बुला रहा रहे है और, है। आ, मैं, भी करना। <laughs> करती। और बहुत अच्छी करती <laughs> है it. uh, मैं, मैं, मैंने मिमिक्री की बहुत कोशिश की मैं बंगाली उनकी एक्टिंग ठीक कर लूँगा कुछ ई दला की बोलची तो रीता प्रता तो हाँ, क्योंकि वो थोड़ा जब वहाँ रहा था तो मैंने लैंग्वेज तो, तो नहीं सीख पाया था लेकिन जो हल्का फुल्का जो वैसे तो मैं फिर वैसे कर देता था कि वो वी को बी बोलते ना तो फिर वेरी बिग भजाई ना <laughs> ये सब कुछ जोक्स करता रहता था वहां पे धन्यवाद ट्रू फॉर सुदीप तो <laughs> Sorry, Shudip. तो once you meet Shudip, तो you will immediately notice how fucking big his vagina is. <laughs> <laughs> आजकल वो भी बहुत होता है कि जैसे ट्विटर पे मैंने देखा था किसने किया था ये आ, कि तुम अपना नाम बताओ और मैं उसकी बंगाली प्रोनाउंसिएशन बताऊंगी तुमको किसी ने किया था तो लोग लिख रहे थे और सुन बस पूरा सब में ओ डाले दे वेरी स्टूपिड सुदीप शादीप रजत रोजोत ये ऐसा ऐसे लड़ेगी मीम बना दिया भाई ये वाली चीज इतना कंफ्यूजिंग था ना समझना कि किसमें कितना ओ करना है क्या करना है कई बार वो मेरे को ऐसे मेल करते थे थे कि डोबर लॉ दोंथ ऐसे शौदीप तो को मेल कर दो मैं ऐसे एस एच ए यू टाइप कह रहे अरे ये क्या लिख रहे हो शौक है बा, बाकी था? वो मलाई वालाई वाली सारी मिठाई अच्छी लगती इसमें दोस्तों क्या गया था अभी कोलकाता तो उनका कितने कोलकाता पांच महीने पांच महीने समझ में आता है तू कह रहा था कि मैं अभी गया था और मैं सीखने लगा नहीं अभी पाँच महीने जब पीडब्ल्यू में जॉब करता था तब कर पांच महीने रुका था आ, और तब काम भी ऐसे मतलब क्योंकि उनके साथ काम कर रहा होता था, था ना और एकदम प्रेशर में काम करते थे तो फिर बहु, 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 बहुत ऐसे कि आप बहुत चापाशे मैं कहा क्या काम कह रहा चापाशे मैं कहा मतलब क्या है कह रहे प्रेशर है, है बहुत चाप मतलब प्रेशर है आज <laughs> चाप आशे हाँ। चाय पीनी <laughs> <laughs> <नहीं है। laughs> क्या बता रहा हाँ तो मैं इस बार एक लड़के से मिला था उसका नाम सप्तऋषि था ठीक है तो सप्तऋषि बोलते थे और फिर उसका निकनेम था सैप ठीक है डार्क नाम हाँ डाक नाम भालू निक नेम तो फिर मेरे से किसी ने मैं जिस दोस्त के यहाँ गया था वो उसके यहाँ ही रखा और मैं वापस उसके घर चला गया था तो उसके पापा ने पूछा कि देवो किस किस के साथ था तो मेरे को सैप मालूम था लेकिन मुझे लगा पता नहीं सैप ही बोलेंगे कैसे मैंने बोला शैप <laughs> शॉप शैप वो कह रहे कौन है शैप <laughs> <में का... laughs> अरे आपका बेटा <laughs> पागल हो गया अंकल सप्ता ऋषि शॉप तो ऋषि सॉरी अच्छा अच्छा वो सैप अच्छा सैप ही बोलना होता है इसको <laughs> बहुत एक उसका हम लोग तो, <laughs> <laughs> तो <laughs> तो, तो लो बोलते था, थे कल्लू कल्लू तो मेरे घर वाले भी यही सुनते थे कहाँ जा रहे हैं कल्लू के घर जा रहे कल्लू के घर जा रहे हैं ठीक है घर पे नंबर लिखा हुआ था उसका डायरी में तो वो भी कल्लू लिखा हुआ था तो मेरी मम्मी ने एक बार मैं घर बहुत लेट आया तो मम्मी को चेक करना गए तो उन्होंने फोन किया और बोला कि आप कल्लू बोल रहे हैं तो बेटा कल्लू बेटा शाशवत है क्या तो वो कहते हैं अंकल ने फोन बोला था उसके पापा ने कहता है कि वो एकांश तो एक्चुअली नहीं है शाश्वत भी नहीं है मैं उसका पापा बोल रहा हूँ मेरी तो मम्मी कहती है वो सॉरी बड़ा कल्लू वो कहते हैं कि वो वो इसको एक्चुअली काला है ना इसलिए कल्लू बोलते बोल दिया मैंने, <laughs> <उस लगी है। laughs> मैंने एक बार फोन मिलाया था तो उसके पास सरनेम से जब बुलाते हो ना तो थोड़ा कंफ्यूजन होता है अक्षय खेतरपाल मेरा दोस्त था तो उसके कहा खेतरवाल हाँ बताओ जूनियर खेतरवाल ये तो बहुत कॉमन है

एवरीथिंग इज अंडर माहेश्वरी तो कई सारे लोग लिख लेते हैं माहेश्वरी बट एक्चुअली उनका नाम कुछ और होता है तो हाँ, आप लगाते क्या हैं लगाते क्या है मॉइस्चराइजर यार ये एक्चुअली पता है एक कॉमिक का बहुत घटिया जो <laughs> पता है इसीलिए मैं चाहता था कि तू वो ना बोले हाँ। तो बहुत ही घिनौना है तो जो सरनेम से वो बहुत अलग अलग हैं कई कि किसी को भूतड़ा मूंदड़ा इस तरह का है। तो इसलिए माहेश्वरी लिखना है भूतड़ा मूंगड़ा चप्पल का सूंगड़ा एमवी का क्या है तंगड़ा ममड़ा ममड़ा चप्पल का, का चमड़ा टांगों पे टांगों को तोड़ूंगा करेगा भंगड़ा <laughs> मम्मा मम्मा का जो दूध पी एक काम कर तू आके मेरा मूड पी एस्केलेशन इज ऑलवेज वेरी क्विक एक तो ये अपने आप में विजुअल इतना वो लगता है फनी कि ये इससे पहले जो स्टेप वन था वो ये था कि रफ्तार ने भी बहुत हर्ट कराया इसकी में माच ये ये और लिखे जा रहे हैं लिखे जा रहे हैं और क्या राइम करा सकते फिर उसके बाद ममड़ा ममड़ा करके आ रहा है पहले तो हर्ट ही हुआ था वो ये ये ये। लेकिन उसने हर्ट उसने जब एड्रेस किया तो अच्छा ही किया था ऐसे किया था कि इसने ये बोला कि पैसे नहीं कमाता और उसके बाद जब वो फ्लो में आता है तब तो वो चिल्लाने शुरू करता है बट इस समय बिकॉज कृष्णा के साथ इसकी डिस हुई थी कृष्णा जीत गया कृष्णा के ज़्यादा व्यूजा कम हो गए तो इसने एक पॉइंट पे बोला था कि डिस नहीं करना ओनली लव नो हेट और अगला गाना फिर से डिस बना दिया और फिर से डिस बना दिया इसने दो डिस डाल दिए तो अभी क्योंकि आई थिंक इसके व्यूज इतने आ नहीं रहे हैं, तो इसको झटका लगा, इज लग रहा है क्योंकि sure. सारी चीजें जब व्यूज से ही मेजर हो जाते हैं तो

बट अगर वो एडिट करके कूड़ा हटा के टाइट सेट डाल दें तो दैट विल हेल्प द कॉमिक बट इट विल हेल्प द शो मोर तुम तभी तो देखोगे हासिल मुझे कोई आइडिया नहीं और कोई इंटरेस्ट भी नहीं था हासिल देखने का पर क्योंकि इतने गाना गाने वायरल हो गए ना आई एम इंटरेस्टेड भाई जाके ये करना चाहिए कि सारे

ट करने के लिए कि और right. तभी मेरा कुछ पॉइंट है अगर इफ आई लूज इवन इफ यू लूज ऑन अम्पिटिशन लाइक दिस इट शुड डू वंडर्स फॉर योर करियर विच आई थिंक हेज है हुँ. वो वन में शायद नहीं हुआ था वन में किंग हिट हुआ जो कि फोर्थ नंबर पे था और EPR. एक बंदा ईपीआर हुआ जो सेकंड पे था उसके अलावा ज़्यादा कोई इतने पॉपुलर <coughs> नहीं हुए यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो इज़ वेरी पॉपुलर बट एंड रोम वाला तो जीती गया है एंड देस इज पॉपुलर इवन जी डी पॉपुलर विच इज अड शो डन इट वेरी तो जी डी फोर्टी सेवन का जो गाना बहुत वायरल हुआ था और जिसको विराट वगैरह ने भी शेयर किया था शो टाइम hmm.

That is one huge advantage. हाँ, music but ये stand up में भी है यार किया जा सकता है तेरे को तेरे को कितना भी कोई comic गंदा लगता हो अगर कोई joke अच्छा मारे तो मजा आता yes, है सुनने में बहुत ऐसी आती है yes और अरे कई बार हम लोग ये बात करते हैं ना कि हम बताएंगे नहीं ये joke किसका है चूतिये का है हाँ, लेकिन ये joke सुन सुनो लेकिन joke सुनो लेकिन joke कितना अच्छा हाँ तो वो you have to then if you don't like somebody like हटाओ लेकिन joke क्या मस्त लिखा है which happens in music or rap also but you have to respect it that way भाई स्टैंड अप सिर्फ देख जब देखते थे तब तो इतना प्योर था इट ब्रॉट नथिंग बट जॉय इन माई लाइफ करेक्ट

मतलब बहुत पुरानी बात है लेकिन देख के मेरे को बहुत बढ़िया लगा था तूने आई थिंक कोई फोटो कहीं पे डाली थी जिसमें तू लुई देख रहा yes. और उसका रिफ्लेक्शन में तेरा yeah, चेहरा yeah, आ रहा है वन डे तूने लिखा था वो बहुत बढ़िया लगा था अरे भाई वो सपना है क्योंकि हाँ. यार लुई सीखे का हम लोगों ने डेवलपमेंट भी देखा हमने ऐसे देखा है कि वो शुरुआत में क्या करता है शुरुआत चीख रहा होता है आई विल डू सम डॉल्फिन क्या आई नो समोल्फिन हाई तो वो सब करता था एंड देन टू अभी जब वो बात कर रहा है एंड विच आई थिंक अनिर्बन इज आल्सो डूइंग Yeah. अभी जब अनिर्बान का बच्चा हुआ है उसके बाद इस कंटेंट अबाउट द बेबी इज सो फनी मिल कर दिया बड़े बच्चों को बट अमेजिंग कंटेंट एंड विच इज वॉट आई मीन यू वांट कि हर uh, तुम्हारे हर लाइफ के मोड पे योर स्टैंड शुड रिट अदरवाइज कह दू अगर मैं अभी 8th क्लास के जो करने लगूँ तो क्या पॉइंट है भाई मैं <laughs> मैं बड़ा हो गया हूँ <laughs> तो वो सारी चीजें आई थिंक इट शुड शो कि अभी तुम स्टेज ट्वेल्थ के चलेंगे ना मेरे पास <laughs> के कुछ जोक्स हैं मेरे पास सारे चलेंगे <laughs> <laughs> मैं कह रहा हूँ कि स्टेज पे जो तुम हो वो अगर दिखता है तो देन इट्स वेरी ब्यूटिफुल विच लुई हैज डन एवरी टाइम दैट आई लाइक और जो वो करता है अगर वो मास्टरबेट अच्छा करता है तो भाई क्यों ठीक है इट्स ओके इट्स हिज टैलेंट जैसे उसने 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 बोला बोला यू ये सारी चीजें तो देखो <laughs> लड़कियां बड़ा बताती हैं क्या क्या किया होगा होगा <laughs> तीन बार कर दिया होगा, कोई बात नहीं कौन बोलते, क्या बोलते? उसने बोला ना खुद बहुत बढ़िया एकदम भी uh, podcast में भी एक तो बहुत ही फनी था <laughs> जिसमें जो लोग <laughs>

Yeah, uh, क्योंकिस्ट in podcasting, podcasting yeah, yeah. तो कैसे शुरू करूँ कह रहा है दस साल तक करते रहो उसका विच इजता है हम ये कैसे करे स्पॉर्ट साल है इतनी पॉलिटिक्स करके मैंने ये स्पोर्ट लिया है ऐसे की तरफ मिल जाएगा जब अभी किसी ने लिखा था की मुझे स्टैंड अप करना है तो फिर आ, आप ये बताओ कि कैसे जोक सोचते हैं विच इट्स नॉट आउट ऑफ कि भाई तुम कुछ सीखो मैं मैं सिखा ही नहीं सकता भाई कोई नहीं सिखा सकता जो कैसे सोचना सिखाएंगे भाई कैसे जब हम यार ऐसे थोड़ी होता है कि आ, हम किसी चीज के बारे में कोई हम पत्ती देख रहे हैं तो एक हमारे पास प्रोसेस है कि चलो इसको ऑन कर दें अब इसके ऊपर पत्ती, बने पत्ती पत्तनी <laughs> 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 दिशा पटानी <laughs> नहीं होता ऐसे भाई तुमको अपने आप ही जो तुम्हारा थॉट प्रोसेस है वैसे आएगा किसी का जोक अलग बनता है किसी का अलग बनता है तो ये तो कोई सिखाने की चीज ही नहीं है और अगर तुमको लगता है तो वो कौन बन ये लखनऊ बहुत ही बढ़िया करा था कहता है नॉक नॉक उस देर कहता है पता नहीं मैं कौन पता नहीं कह है दिशा पटानी <laughs> <laughs> बता दो दिशा है? दिशा पता नहीं। हाँ एक ये ये भी किसी ने करा था कि डायरेक्शन लेस कुछ कोई है उसमें दिशा पता नहीं ठीक <laughs> नहीं है <laughs> नॉक नॉक जोक्स लिखना आसान थोड़ी है यार सभी मुश्किल ही है भाई सब नहीं है हाँ। जिसमें पैटर्न है जिसमें तुमको लाख तुम सुन चुके हो उसमें किसी को सरप्राइज करना बहुत मुश्किल है भाई तुमने एक नया टेम्पलेट बनाया उसमें करना आसान ये सारा अली खान वगैरह टाइप के लोग करते रहते हैं जो इस टेम्पलेट में फनी होते हैं और वो बहुत प्राउड फील करते हैं मेरा तो सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ही व्या देर रू हु रू कंगारू को जो भी छुतिया करते हैं मेरे से आई डोंट नो हाउ टू डू देम बट इट इज वो मेरे को वो बहुत ही स्टूपट लगते हैं सेकंड एक और टाइप के लोग होते हैं जो आ, दो दो तरह के लोग होते हैं उसने तो एक टाइप के जो मीम मेम <laughs> जो आई थिंक बहुत तरह के होते हैं अभी जेंडर भी इक्यावन है अब आप बताइए नहीं दो तरह के होते हैं कि एक <laughs> ये चीज करते हैं एक ये चीज नहीं करते हैं या, <laughs> या, <Yeah, yeah, yeah. laughs> एक जो इस कमरे के अंदर एक, एक कमरे के बाहर <laughs> <रहे> है <laughs> और हम कमरे के अंदर हैं असली मर्द <laughs> <laughs> एक तो ये जो ये नॉक नॉक यूज देर वाले वो करते रहते हैं एक ये होते हैं जो मीम की जो लाइन होती है आई मीन आई मीन स्पेन बट एस एस साइलेंट वो अच्छा आ, ये मीम है मीम है पेन हाँ इट इज गुड मीन गुड लेकिन वो वही वाली लाइंस पार्टीज और ये सब बोल कुछ, कुछ चले जा रही है तो उसमें लोग हंस रहे होते हैं और दैट इज ऑल्सो ओके क्योंकि वो लोग कुछ ऐसा नहीं हुआ है आज की मस्ती ओरिजिनल कंटेंट पे होगी ऐसा हा, कोई रूल, रूल नहीं है लेकिन मुझे मस्ती है कि या, ये गलत है या, और वो मेरे को मीम वीम की लाइन कहीं बोलने कुछ करने में भी अगर कभी ऑटोमेटिकली निकल जाती है तो फिर ऐसे गलत सही नहीं है भाई ये जब कोई पूछता है कि भाई सारा सेट हो गया सब में मैं आज दिवाली है बता रहा है इट्स वेरी फनी बट ऐसे थोड़ा सा लगता है इज नॉट फेयर चीटिंग हाँ चीटिंग है भाई हम <laughs> 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 तो अपने तुमने क्रच यूज कर लिया क्रच यूज कर लिया हैक है हैक है है। है है। <laughs> लेकिन बहुत ही फनी मीम्स हैं यार वो वाला भी बट व्हेन दे बिकम सो वायरल ना कि अब लोग लोगों का कन्वर्सेशन

तो बहुत फ़नी तरीके से बोलता है एंड जब तुम वो ऑडियो डालोगे तभी वो फ़नी लगता है लगता और जब जनता बोलती है एक दिन मर जाएगा कुत्ते की मौत उस दिन, उस, दिन उस दिन सब गाएंगे ला ला ला, ला, ला। <laughs> <laughs> क्या है ये कहा किसने बनाया <laughs> कोई पुलिस वाला गा रहा होता है अपने दोस्तों के सामने अच्छा सारे पुलिस वाले बैठे हैं और और वो कुछ गा रहे होते एक दिन मर जाएगा होते है मौत। और मेरे को इसमें जैसे उसमें था कि गरम पेशाब में फनी गरम के चक्कर फिर लोग लिखने लगे थे कि हाँ। सर अब नया वीडियो डाल दो हम मैं आप दोनों की मूत पीने को <laughs> भाई, भाई मत, कर, फ्लीज। हाँ, फ्लीज मत कर भाई मत प्लीज हाँ, प्लीज मत करो भाई गरम पेशाब पीने आ जाएंगे पॉन स्टार का मैं वो देख रहा था इंटरव्यू कौन सी हसा <laughs> कीड़ा हाँ। तो वो बता रही थी उसके एक्सपीरियंसेस स्टार है, But न, नहीं, नहीं, नहीं। मुझे लगती है भाई। नहीं अगर भाई, मैं तो... मुझे रियल लाइफ में ये मिली थी एक एलेटा ओशन इंडिया आई हुई थी तो एयरपोर्ट पे मिली कहा <laughs> जब आती है कहां पे मिलती है <laughs> <laughs> तो आ, वो, तो तो वो मतलब मुझे तो बहुत हॉट लग रही थी हुँ. बट रियल लाइफ में भी लगते ही है और बिल्कुल बिना मेकअप के भी अच्छी है वो सुंदर है बहुत बट जब उस इंटरव्यू में बिकॉज तो 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 भाई मैं बहुत देख रहा तो तूने जाके बोला बिग फैन नहीं भाई बहुत उसके बॉडी गार्ड थे

हमें कॉमिक्स पसंद है उनकी ये ही सब लाइन याद रह या, जाती है सब कुछ इसके बाद उसे ये बोल हाँ हाँ तो एक पॉइंट पे ये कहता है कि आई एम अ बाइक मदफा आई एम अ बाइक फिर वो बाइक चुरा के भाग जाता है <laughs> भाई ये क्या ब्यूटी है यार हिमालय <laughs> <laughs> चुरा के भाग रहा है चूतिये है इधर <laughs> मैं क्या भाई उसका चोरी बहुत बढ़िया करता है फोन फेंक देता है पीछे विच इज द करेक्ट ऐसे ही करते हैं अगर अच्छा। तुम एक्चुअल वीडियो देखोगे तो बंदा यही करता है पहले तुम्हारा फोन फेंक देता है तुम लेके जाते हो और दूसरा बंदा गाड़ी ले जाता है hmm. तो इसमें लेकिन वो बहुत अच्छा दिखाते हैं कि कहता है कि इसमें हम मोनिका उमाई डालेंगे मोनिका उमाई डालेंगे जिसमें वो एम्फोसाइज बार बार करता है कि मैं कैसे चला जाऊंगा चार घंटे में वहां पे मेरे पास क्या जॉन इब्राहिम की बाइक है मैं ये घटिया कार चला रहा आई एम अ बाइकर जो करने की कोई जरूरत नहीं थी भाई बोल चुका है एक बार योर बाइकर क्या कर बट uh, बहुत सही किया उसने कई बार जब प्ले की रिहर्सल कर रहे होते हैं ना तो ऐसी एक आध कोई सी लाइन होती है जो अटक जाती है जो उस समय करने में रिहर्स करने में बहुत हंसी आती है बट फिर वो हम रख लेते थे कि कोई बात नहीं कोई नहीं हंसे इस पर कोई दिक्कत नहीं लेकिन ये रख लेते हैं जो कि स्टैंड अप में इट इज वेरी थोड़ा लोग ऐसे जज करते हैं अगर तुम स्टेज पे बोलो, ये दिस लाइन वाज ओनली फॉर मी देन इट फकिंग रूइंस द फुल फन इफ इट इज फॉर यू देन डोंट टेल इट टू एनीबॉडी एक्सेप्ट यू तुम्हें तो बस पता है हां तो ये एक्चुअली एड्रेसल्स बहुत जगह काम करते हैं वो तब काम करते हैं जब तुम बॉम्ब हो गए हो तब या फिर कुछ ऐसा बहुत ऑब्वियस चीज हो गई नहीं और तुम छोड़ हो कैसे uh, थोड़ी सी कुछ कुछ प्रॉब्लम आ रही है उसमें ब्लूटूथ कनेक्शन कनेक्शन नहीं नहीं ठीक रहता है वो अचानक से नॉइस कैंसलेशन से एम्बियंट पे शिफ्ट हो जाता है कभी कभार। अच्छा और उसका क्योंकि थोड़ा ज्यादा ही स्टा... पता नहीं वो एक बटन से होता है चेंज लेकिन कभी कबार के भी मैं कुछ बोलना शुरू कर रहा हूँ सुनते ही सुनते रहता हूँ तो वो कुछ एक्टिवेट हो जाता है तो वो अभी तक मैं फिगर आउट नहीं कर पा रहा हूँ कि क्या hmm. दूसराशन में थोड़ा सा प्रेशर आता है ना वो थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है मुझे और प्रेशर नहीं चाहिए अपनी लाइफ में है, क्या 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 है प्रेशर को चापाशा चाप चापाशे चापाशे चाप, <laughs> चाप, <आशे। laughs> चाप प्रेशर होता है आशे मतलब है चापाशे हाँ, हाँ तो ये सोनी वाले आपके हेडफोन में सोनी एक्स फोर मेरे पास सोनी का ही था हाँ। और बहुत बहुत। ही बढ़िया मतलब मतलब मुझे है। yeah, मतलब उसका वगैरह सब कुछ अच्छा हेडफोन अच्छे बनाते हैं नॉइज कैंसिलिंग बनाते हैं <laughs> employees तो का। भाई देख नॉइज कैंसिलिंग <laughs> वैसे comfort, comfortable तो बोस के भी बहुत बढ़िया है लेकिन नॉइस कैंसिलिंग की क्वालिटी अगर तुम चेक करोगे तो सोनी सोनी चल रही है जैसे तेरे घर पे बिल्लियां बहुत सारी मेरी कॉलोनी में एक बिल्ली है जो मेरे पे थोड़ी अब डिपेंडेंट हो चुकी है लेकिन तू उसको कर रहा है ना ही रहा है ही रहा हूँ बस ये कि घर पे पूरी तरह सुला नहीं रहा हूँ रख नहीं रहा हूँ ये सच अगर पूरी अगर तुम्हारी जो कॉलोनी वाले हैं वो भी

हाँ, हाँ साढ़े सात से कर रहा हूँ हाँ तो लेकिन अबे वो वैसा है ना कि हम डेली सर्किट में थे तू अहमदाबाद सर्किट में नहीं मैं बैंगलोर फिर डेली सर्किट में भी था मैं फिर अहमदाबाद फिर

Uh, सारी चीज का ऐसे एक बीटा बीटा वर्जन में, <laughs> में जाके पिट आता हूँ <laughs> <laughs> मैं पॉडकास्ट काफी टाइम से कर रहा हूँ तू, तू जब जब बुलाता है, है तब <laughs> करता हूँ नहीं भाई तू जब आता है तब लेकिन <laughs> हाँ अरे मैं ये इसलिए कह रहा था क्योंकि हेडफोन मेरा चोरी हो गया था वहां पे हाँ और भाई मैं तब से बस अब यही एक लौती तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि दिस इज दी ओनली थिंग आई हैव राइट नाउ आई हैव आई हैव नॉइस कैंसिलेशन हेडफोन्स टिल द टाइम यू बाय अ न्यू वन हाँ तो मैं वही सोच रहा हूँ क्योंकि मैं इसलिए पूछ रहा था क्योंकि एक्स हाँ। एम भी मैं सोच रहा था नहीं तो अभी जो बोस के नए वाले हैं अमन अपने सोनी एक्स एम फोर बेचने के लिए किसी को ढूंढ रहा है अरे नहीं पर मैं

अगर तुम सुनो जो कि हेडफोन ऐप पे हेडफोन ऐप पे अगर हेडफोन में फ, आ, एफ है एफ है <laughs> तो और वो जो कि कूलर स्पेलिंग <laughs> है पी एच ओ में ऐसा लगता है फोन हाँ, लेकिन ये फोन है ये क्या है तो यूपी बिहार मार्केट आ गए बिहार तो मार्केट में अगर हैड़ तुमको फोन हेडफोन तो उसमें मैंने अभी एक हॉरर शो सुनना शुरू किया रुद्रा Uh, is, तो तो वो शुरुआत से ही पूरी फ्लो में है भाई तुम शुरुआत करते हो किसी शो की तो धीरे धीरे बिल्डअप करते हो ये पहली लाइन से ही पूरे डिजिटल है पहले सात सेकंड में लोगों को कैप्चर करना पड़ता है वैसे है तो आ, बहुत फन है यार तो अगर मुझे कई बार ऐसा लगता है कि मैं पॉडकास्ट सुनता हूँ और बीच बीच में बोर हो जाता हूँ बहुत सारे पॉडकास्ट मैंने ट्राई हमारे वाले को छोड़ के आई थिंक ज्यादातर बोरिंग होते हैं की लिस्ट में है था। number one. Uh, इंडिया में नंबर वन है हमारे इंस्टाग्राम पे इसलिए पंगा हो गया था कि बाकी पॉडकास्ट वाले हेटर्स उसको रिपोर्ट कर रहे थे

तो वो देख रहा था और मुझे वो लगता है कि अगर एंगेजिंग तुम ऑडियो कॉन्टेंट बनाओ तो बहुत फन है सुनने में आई थिंक बताए पॉडकास्ट और ये ऑडियो उसमें डिफरेंस अब मेरे को समझ में आया हाँ। कि वो फुल इमोशन के साथ सुनाते हैं yes.

और आ, वो पॉडकास्ट में नहीं हो सकता ऑडियो में इतना लेकिन हमारा पॉडकास्ट क्योंकि कंटेंट इतना बढ़िया है hmm. तो हमारा फिर भी चल जाता है yeah. तो अगर It's आपको सुनना है प्योर राइटिंग प्योर प्योर राइटर टैलेंट पे चल रहा प्योर टैलेंट प्योर बॉन्डिंग पे चल रहा है तो अगर आप लोगों को सुनना है तो हेडफोन का शुरुआत के पाँच एपिसोड हर शो के फ्री हैं तो छः एपिसोड तक तुमको आइडिया लग जाएगा कि तुमको वो चाहिए कि नहीं और एक बार तुमको पसंद आ जाए तो आई थिंक इट्स अ गुड इन्वेस्टमेंट टू मेक निन्यानवे रुपये का आई थिंक जो कि बहुत सस्ता hmm. है यूल बी होक निन्यानवे निन्यानवे क्या है पाँच चिप्स के पैकेट निन्यानवे क्या है मेरे पैरों की धूल <laughs> <laughs> थूक पैसा है। आई क्या है? पैसा आ जाए तो कल नहीं है तो क्या है? ना? अगर फनी वो तो <laughs> <तरसों laughs> <भिल्कुल नहीं। laughs> है जिसमें वो खिड़की से देख रहा होता कहता है बताओ मेरी बहन की शादी के लिए पैसे नहीं है यहाँ कुड़िया वा� खरीद रहा है राइट 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 खड़क सिंह की एक्चुअली जो उसको रोल बहुत छोटा दिया गया काफी मस्त उसने

<laughs> ये क्योंकि अभी हमने पिछले पॉडकास्ट में जब डिस्कस किया था तो तू बोल रहा था बहुत सारी इस्टे तो मैं तीसरी बार देख रहा था कि क्या एग्स मिस हो गए तो मैं हर चीज देख रहा हूँ अब मैं हर चीज में दिमाग लगा रहा हूँ कि जब उसके रूम में जब उसको सीईओ का नया रूम मिलता है तो फिर वहां पे पे पेंटिंग पेंटिंग है 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 कुछ क्या पेंटिंग नहीं, नहीं है। उसमें व्हाइट बोर्ड पासवर्ड लिखा वाईफाई का तो मैं उसमें दिमाग लगा रहा हूँ कि 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 <laughs> हाँ। क्या है भाई वो देख ले तूने जो बोर्ड लगा होता है जिसमें सारे डायरेक्टर्स का नाम होता है अपार्टमेंट में नहीं वो नहीं देखा लूंगा वो मेंढक का भी नहीं समझ मेंढक अरे वो आई थिंक व्हिच इज वेरी स्टूपिड बट आई थिंक वो कहती है कि इससे बहुत गुड लक आएगा hmm. और चेस आता तुरंत ही कांड मर जाते उसको देख रहा कि ये क्या है अभी आया है अभी कांड हो गया वो भी बहुत फनी था कि वो कहती है भैया फोटोज है तुरंत। अरे हाँ जो मैं बोल रहा था ना कि वो घड़ी में हो सकता, है, जहर हो, आ, हो सकता है नहीं है क्योंकि जब वो आता है क्योंकि जब वो आता है ना पूछने हाँ। की तूने वो घड़ी पहनी कहता है हाँ पहनूंगा पहनूंगा वो चला जाता है एंड देन इसके हाथ में घड़ी होती है शायद इसको डस्टबिन से मिल से मिल गई होती है अभी

जो रेट्रो लुक इसने पूरे में दिया है अगर थिएटर थिएटर में रिलीज होती तो पोस्टर भी एकदम पुराना टाइप का बना था है ना तो वो एकदम हैंड पेंटेड तो वैसे ही लगता है जैसे हमारे घर के पास दीप सिनेमा है कानपुर में हुँ. वहाँ पे ना बी ग्रेड मूवीज आती थी हुँ. तो उसमें बड़े बड़े पोस्टर्स लगा देते थे हुँ. और उसके चक्कर में चौराहा था तो वहाँ पे एक्सीडेंट होते रहते थे चौराहे पे कितने लोग मरे हमने मारे आ, हम कर सकते हैं ये अगर हम आपका हमारा, हमारा पॉडकास्ट ड्राइव करते करते सुनोगे तो हम गारंटी दे रहे हैं एक्सीडेंट होगा हाँ और हम ये भी कर सकते हैं कि अगर आपका कोई आ, बिजनेस है तो उसको इस तरह से हम प्रमोट कर सकते हैं जैसे हमने ये ढूंढा कि दीप सिनेमा एक्सीडेंट्स के बल पे

<laughs> अब पूरी निकल गई फिर यश गुप्ता आप कैसा लगा ये <laughs> <laughs> कैसा लगा <पौटी> जो? <laughs> <laughs> तो अगर आपको अपने बिजनेस को प्रमोट कराना है तो कॉन्टैक्ट और हम अपने बारे में भी ऐसे वो कर सकते हैं कि अगर आपका अगले दिन एग्जाम है और आप हमारा पॉडकास्ट लाइन से सारे सुन लो तो आप पढ़ाई में दिमाग नहीं लगा पाओगे ये भी बात सही ऐसे ऐसे सारे क्लेम और जिससे फिर आप ड्रॉप आउट हो गए आर्टिस्ट बनोगे और हमको आर्टिस्ट चाहिए हमारी दुनिया में हमारे और जैसे आप आट करके आर्टिस्ट बनोगे आ जाओ हमारे पास एडिटिंग का काम है बहुत सारा बहुत काम है और <laughs> हम तुमको मेंटर भी कर देंगे हाँ जो कैसे सोचते हैं पत्ता देखते ही तीस मिनट पत्ते <laughs> पे <पत्ते पत्ता नहीं। laughs> भाई इस सवाल का तो कोई जवाब कभी नहीं मिलता और लोग लगे हुए हैं कोर्सेज कराने में

भैया मॉक पेपर तो है वो तो मुझे मालूम है बट एक बार मेरे को ऐसे कोई बोल के समझा देता है मैं बहुत अच्छे से समझ जाता हूँ मैं कह तेरे बाप का नहीं हूँ <laughs> बोल के अगर समझ जाता है तू अच्छा तो हाँ। हमें क्या इससे भाई? तो, तो तेरे को एजुकेशन तो में फेल माने वाली आगे कि वहाँ पे सब रिटर्न एग्जाम ही होते हैं क्वेश्चन <laughs> का फॉर्मेट क्या है क्वेश्चन वो पूछेंगे आंसर तुम दो ये फॉर्मेट सवाल जवाब दो सवाल एक सवाल उनका <laughs> सवाल एक जवाब <laughs> दो लंबी खामोशी तो फिर तू फेल हो जाएगा ज्योति है किसी भी चीज़ में एक कोई कोई था ना कि तुमने जोक मार दिया और उसके बाद तुमने एंड में चूतिया डाल दिया तो अंडरमाइन हो गया खुद का जोक और मुझे तो इसका लेवल बढ़ता ही दिखता मैं तो है तो बढ़ता ही दिखता है <laughs> मैं तो जोक खत्म हाँ। करने के बाद ही गाली देता ये तो मैं गाली को वैसे मानता हूँ कि एक ये सोने पर सोहा सोने पे पर पराग <laughs> 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 शहीद पे मेडल पिज्जा विदाउट ऑरगान मेरे दोस्त ने कुछ बोला था कोई हमारे बैच में एक लड़का था बहुत छूते गिटार बजाना सीख रहा था ठीक है मैं सीख रहा हूँ बहन जो अरे तेरे बारे में नहीं बोल रहा था अच्छा। यार किसी दोस्त ने तो गिटार बजाना सीख रहा था तो एक मेरा दोस्त आके कहता है भाई ये बताओ टट्टी पे ऑरिगेनो डाल लो तो टट्टी रहती है ना पिज्जा थोड़ी बन जाता है जो कि इतना फनी लगा ये। <laughs> आ, बात तो सही। <laughs> नहीं पर हम तो यही मानेंगे कि तूने अपने दोस्त वाला लिया है हम मीम वाला थोड़ी मानेंगे नहीं लेकिन अगर कोई ऐसे कोई दिखा देता है मीम तो फिर खराब हो जाता है तो छोड़ना ही हुआ था सृजन का बहुत बढ़िया जोक था किसी ने मीम बना दिया क्योंकि भाई सर्किट में भी है तब भी लोग बात भी करते हैं जाते हैं और इन जनरल सोच भी सकता है कोई सोच भी सकता है बट आई फील लाइक वो बहुत ही स्पेसिफिक uh, था और वो मीम बन गया एंड आई सॉ लाइक द जोक वर्क 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 एंड देन मीम तो उसने बोला मैच अब ड्रॉप बहुत खराब बोला था बहुत दूसरा <laughs> शारथॉट्स में इसीलिए बहुत बज बज मैं देखता हूं शारथॉट एंड हमेशा लगता है कि भाई ये मैच हो गया शार्ट थर्ड बैंड जो hmm. मैंने सोचा था ये जो रेडिट वाला वो है रेडिट वाला नहीं मैं तभी देखना बंद कर दिया यार आई रिली लाइक इट तो मुझे क्योंकि प्रॉब्लम ही है कि समटाइम्स आई रीडिट एंड फॉरगेट डेड सबकॉन्शियसली इट इज़ इज़ी टू रिमेंबर भाई आई कीप अ क्लोज टैब एट इट सो दैट आई डोंट मतलब ऐसा हुआ है कई बार कि मेरा थॉट था मुझे पता है कि मैंने सोचा hmm. था और शार्क थॉट में दिख गया तो ड्रॉप किया बट ऐसा कभी नहीं हुआ है कि मैंने कोई जोक किया और वो शार्क थॉट में पहले से कभी नहीं तो देन जस्ट नीड इफ यू वॉच इट देन वॉच इट लाइक दैट या तो तुम पत्ता झाड़ लो कि मैं कभी नहीं देखता और फिर मैच करेगा तो लोग क्या बोलेंगे अबे भाई तो तब भी पॉइंट करेंगे कि आ, वो तो था तुमने हो सकता है देख तब सब में बहुत सब कहते थे मैं तो कोई स्टैंड नहीं दिखता वेस्ट का आ, ये, ये ये प्लेन वाले सारे जोक्स मेरे हैं या, क्या, या, क्या, क्या बता का, कार नाम बता रहे हो क्या नाम बताया

तो फिर उसका फिर मेरे को एक ही जवाब आता है <laughs> एक ये भी है ना चीज की तुम अगर नहीं देखोगे hmm. तो यू आर जस्टिंग योर सेल्फ कोई पॉइंट नहीं है मतलब तुम वी वी वर मजा तो आएगा ही भाई स्टैंड हाँ। देखने में कोई भी मीम देखने में मैं वो भी ना देखे तो खुशी कहां से लाने में और लोग कह रहे हैं कि भाई आज के दिन का 1 घंटा हंसले मुझे 24 घंटे हंसने मुझे कोई कम नहीं लगता कभी

यार मुझे तो बड़ा ही देखने की आदत है तो अब मैं क्या करूँ क्योंकि मैं तो ऐसे ही देखता हूँ ना हमेशा <laughs> साला एक बात है ना रेडियो जिंगल बड़े अच्छे लगते हैं मुझे भी लेकिन एड्रेस छोटे मैं कहा भाई ये क्या वो है यार हैं मतलब तुम्हें एड स्पॉट बेचने के लिए भी लौड़ा यूज करना पड़ रहा है अरे लेकिन तो... मैं तुझे वो बताया यार रेडियो जॉकी कुछ कुछ चीजें बहुत फनी करते हैं हाँ। ये आई थिंक मैंने बात कर ली थी क्या? कि मेरे मुंह पे मार दो यार पैसा <laughs> नहीं, <laughs> नहीं, नहीं। <laughs> वो लोग डिस्कस कर रहे थे कि सलमान खान ने तो अपनी बहन को फ्लैट दे दिया हुँ. ये हमारे भाई है बहन जो कुछ नहीं देते <laughs> तो सलमान मेरे भी मुंह पे गड्डी मार दे यहाँ मार दे चोट लगा दे मेरे <laughs> नहीं, ये सब बहुत फनी था यार <laughs> मैं कार में जाते जाते सुन रहा था मेरा दिमाग खराब हो गया बहुत फनी रेडियो पे जब रेडियो पे फनी चीजें पहली बार वो हंसी के कुछ आते थे तो वो भी लिए बड़ा वैसा था कि, ओ, to, yeah, yeah. Uh, hmm. और वो दिखता है क्योंकि वो उस तरह ही बनाते हैं वो सेगमेंट जो बनाते हैं जिसमें नकली कॉलर्स वगैरह मंगाते हैं तो आपस में ही बात करते हैं ना hmm, hmm. आवाजें निकालनी आती हैं लेकिन ह्यूमर भी तो चाहिए <laughs> वो ये था ना सुनील ग्रोवर वो भी काम करता था सब लोग सबने कर रखा है जो एक था आई एम घोष भी पहले आरजे था hmm. और इसने, जाकिर है था था। आर था, hmm. और एज राइटर्स इन रेडियो तो इट शोज एक ये भी चीज होती थी कि जो व्हाट्सएप के फॉरवर्ड्स है वो भी कॉमिक्स लिखते थे तो पाँच सौ रुपये में एक जोक ओ, ऐसे यार। तो अच्छा वो है मैंने एक बार ये किसी के साथ स्केच सोचा था कि आ, एक अभिषेक करके बैंगलोर कॉमिक था छोड़ दिया उसने अच्छा कॉमिक था पता नहीं अभिषेक और... बोस नहीं नहीं नहीं, नहीं अभिषेक मैं भूल गया नाम उसका बोस तो फनी है नहीं नहीं बोस तो दूसरी जगह का है कोलकाता का फिर बैगलोर गया था। शायद बोस का है, वो वो बैंगलोर, बैंगलोर का है कोलकाता का है उसके साथ मैंने एक बार ऐसे फॉरवर्ड्स बनाता कौन है ऐसे वो विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम में वो बैठा हुआ है बंदा और बता है कि मेरे सब यूज करते हैं वहाँ पे हमने तो ऐसे इनोसेंटली करता हूँ लोग इससे तो वो प्रॉफिट के लिए नहीं बना रहे बट उसको लोग यूज करने रहे हैं प्रॉफिट कैसे प्रॉफिट के लिए क्योंकि वो प्रमोट हो और हाँ। उसके एंड में जो के एंड में वोट फॉर बीजेपी वोट फॉर बीजेपी <laughs> यही सब होता है सारे जोक्स में मैंने एक बारी कॉलेज की फ्रेंड है इतिशा, वो में इंटर्न कर रही थी उसको एक निविया जो आ, बॉल बनाती है या जो क्रीम बनाती? क्रीम बनाती है, बनाती है। okay. तो उसमें उसको ऐसे करना था कि मैंने किसी का इंटरव्यू लिया जो मिडिल मडिलस्ट कोई हुआ है तो कह रही कहाँ ढूंढूँ मैं मडिलेस्ट तो मैं कहा एक मेरा दोस्त है अभिषेक मदान इसके बाल वाइट हैं सारे इसकी लगा दे फोटो हाँ ये ठीक हो जाएगा उसने लगाया ठीक है और फिर उसने प्रेजेंट करा तो मैंने इंटरव्यू करा इसका तो इसने शक्ल दिखाई और फिर उसके स्किन केयर रूटीन के बारे में लिख रहा था और जो उसका बॉस था वो कहता है अभिषेक मदान कहती है उसको नाम नहीं पता था कह रही हाउ ड्यू नो हिम कह रहा अरे तो मैं जब बैंगलोर में था इसके साथ काम करा मैंने एक ब्रीफ प्रोजेक्ट पर तुम कैसे जानती हो कह रही

हम तो खैर किसको नहीं जानते भाई ऐसा <laughs> कोई कोना नहीं जो हमने ना पानी <laughs> है एक मेरे क्लास में लड़का था मोहित वो उसका नाम मोहित चोपड़ा था हुँ. तो उससे कभी कैसे हम लोग बात करते हैं प्रियंका चोपड़ा क्या प्रियंका चोपड़ा तो मेरी बहुत करीब की रिश्तेदार है ना, कितने है? इतने है। <laughs> <laughs> पता नहीं क्यों करता था वो इस तरह की चीज बताता रहता था हमें शुरुआत में लगता था सच में उसकी रिलेटिव होगी तो एक बार हम लोग ने पूछ लिया अभी कितने करीब इतने तो बोलने में क्या जा रहा है भाई सर नेम से मैं कुछ भी बोल दिया वैसा ना आपने नाव लिख लिया <laughs> मेरे एक दोस्त ने नावल लिखी थी एक्चुअली किसी और की नावल थी उसने टाइप करी थी। <laughs> कहता मैंने दो नावल लिख रखी हैं <laughs> दो कॉपी बनाई थी उसकी पैसे मिले थे उसको टाइपिस्ट का काम किया था सो नावल लिखना बहुत मेहनत का काम है भाई। लेकिन और एक पहला ड्राफ्ट अपने आप में मुश्किल है फिर उसके बाद उसकी री राइटिंग भैन फिर से बैठ के हमें जो जो री राइटिंग तो ऐसा होता है कि हाँ स्टेज पे कुछ अलग बोल के देख लेते हैं हाँ, वो तुमसे रोज कोई बिठवा के लिखवाए ये सब कुछ उस करे ऐसे लगे और मुझे नहीं चाहिए तो अच्छा औरत पैसा यार बट यार अगर तुमने नावल बना दी तुमने बना के रखी और पब्लिशर को दे दी तो तब भी वो बोलते हैं कि ये ये चेंज करो हाँ यार यार मैं तो लिख रहा था भैन मैं स्टोरी वो लिख रहा था शॉर्ट स्टोरीज अब क्या करूँगा मुझे चेंज नहीं करना क्यों नहीं चेंज करवाते हैं वो तो नोट्स वही भेजेंगे भाई ऐसा नहीं हो सकता कि मैंने बना दिया है और बस तुमको तुम्हारे मुंह पे मैं फेंकूंगा तुम पैसे मेरे मुंह पे फेंको और हाँ <laughs> सर हो गया <laughs> नाइस और कोई बात नहीं करेगा कुछ भी कोई बात नहीं करेगा आई वांट दीज काइंड ऑफ ट्रांजैक्शन जैसे देव शेपल ने बोला ना मैंने स्पेशल बना के रखा है नेटफ्लिक्स वाले आए बोले स्पेशल चाहिए मैंने जेब से दो सीट ऐसा होना चाहिए यार कि बना दिया तुमने अपनी पेस पे अपने हिसाब से और फिर किसी ने आगे खरीद लिया लोग भी, भी, भी जेब से, से संतोष और एक लड़का लेके आ जाए थाली <laughs> पे हार्ड डिस्क ऊपर <laughs> <वारी laughs> <क्यान। laughs> <laughs> अगर मैं क्रिएट करने वाला मेरा मन तो है एक शॉर्ट स्टोरीज की बुक लिखूंगा और एक शो यार मुझे स्केच एक्चुअली एक्टिंग नहीं आती वरना मैं कर लेता स्केच मेरे से हो ही नहीं सकता Hmm. मेरे स्केच वैसे होते हैं जिसमें स्ट्रेट कैरेक्टर है अगर कोई है तो वो मैं प्ले कर दूंगा वैसे स्केच <laughs> तो हो सकता है उसमें क्या हो गया <laughs> सारी, हमेशा स्ट्रेट <straight> <laughs> कैरेक्टर ऐसे बिल्कुल वो रिएक्ट ही नहीं करता है कुछ वो नहीं करता अगर कोई स्केच देखता है तो वो उतना तो एक्टिंग के उससे देखते हैं हाँ तो तो स्केच लिखते हो तो ये सोच के लिखते हो कि ये बंदा गुस्सा हो जाएगा इसमें ये सोच ये थोड़ी लिखते हो कि ये बंदा तो लाश ही है इसके मुंह से वर्ड्स निकले नहीं तो तू तो कम एक्सप्रेशन करेगा तो ये तो इंडस्ट्री में अप्रिशिएट करता ना इसकी बहुत नोड

क्या क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो मैं कई बार पैनिक करके बोलता था इज देर सम क्वेश्चन आई शुड बी आस्किंग यू अरे मेरे साथ हुआ था कि एक इंटरव्यू हम कंपनी hmm. का इंटरव्यू देने गया था तो उसने बोला कि डू वॉन्ट टू आस्क मी अ क्वेश्चन इंटरव्यूअर इंटरव्यू पूछू मैं प्रेशर में आ गया मैंने क्या पूछूँ मैंने कहा वॉट गिवन बैक टू दोसाइटी मैं हटा दिया मुझे लिया नहीं मेरा हो गया था एसोसिएट्स की बात <laughs> चूतिया तो दिस इज वॉट शुड वी बी आस्किंग यू एंड में क्या पूछना चाहिए हमें आपसे आप, आप वो हमें बताइए और बदले में आपको मल्टीप्लस देंगे हमारे खराब हो गया वही हाँ फंक्शनल नहीं है ये <laughs> मल्टी प्लग मिल जाएगा उसमें मल्टी भी है और प्लग भी है <laughs> और हम एक सेगमेंट करने वाले थे ना एक्सक्लूसिव वो क्या करेंगे सोशलिज्म वर्सेस कैपिटलिज्म करने वाले हैं वो नेक्स्ट करेंगे चलो थैंक यू सो मच बाय बाय